ठीक है, तो ये सलाह लुपिन पर है। नतीजे हालांकि थोड़े से खराब रह सकते हैं, ऐसी आशंका है। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सुंदरा म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम है। मिस्टर सुब्रमण्यम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अब तक के जो रुझान आए हैं, इनफैक्ट सबसे तेज रुझान व्यूअर्स को जी बिजनेस पर ही मिल रहे हैं। 93 सीटों पर आगे है बीजेपी और 91 सीटों पर आगे है कांग्रेस। खुश हो रहे हैं रुझानों को देखकर बाजार के लिहाज से? इसमें खुशी की बात नहीं है कि हंग असेंबली ना, तो उसमें जेडीएस सभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट में यू नो फॉर कर्नाटका इटसेल्फ आप देखेंगे तो ये थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल है, मगर ओवरऑल इंडिया के लिए ये तो ठीक है, क्योंकि बीजेपी का इतना एक स्ट्रांग पावर में नहीं थी उधर। तो अगर हंग असेंबली में उनका कोई हिस्सा हो रहा है तो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए प्लानिंग के लिए ये अच्छी चीज होगी उनके लिए, कि उनको भी देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए अभी आने वाले दिन में। तो उस तरह से एक तरह से बहुत बुरा भी नहीं निकला है उनके लिए, और एक फ्यूचर के लिए भी एक दे कैन गेट अ क्लैरिटी कि कैसे एक्शंस लिया जाए। इस बीच इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी फ्रीज हुआ है 10,812 के लेवल्स पर और निफ्टी बैंक 26,494 के लेवल्स पर। हालांकि इनफैक्ट अब तक की जो स्थिति है वो त्रिशंकु विधानसभा की लग रही है, तो उस केस में क्या दायरा रहेगा एक बार फिर से बताइए। जो माफ कीजिए दीपाली, जो प्री ओपनिंग सेशन कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर बराबर बराबर सीटें आती है बीजेपी और कांग्रेस की, 2-4 सीटें ऊपर या नीचे में, तो इसका मतलब क्लियर है कि सरकार बनाने की संभावनाएं बीजेपी के साथ ज्यादा बनेगी, और वही वजह की बाजार गिरने से इनकार कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इन रिजल्ट्स को देखने के बाद जैसे ही बाजार खुलेगा वहां से वोलेटाइल होगा, ऊपर खुलेगा तो नीचे आएगा, नीचे खुलेगा तो ऊपर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ के ट्रेड होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इन ये जो अभी तक रुझान दिख रहे हैं तो उस केस में दायरा क्या रहेगा फिर ऊपर नीचे की तरफ? अब इसमें बहुत बड़ा उछाल गिरावट आए इसकी संभावना कम है के रन पर। एक बार 10,750 हो सकता है जो रेंज है, और 10,750 के ठीक नीचे जो बंसल जी कह रहे थे वो है 10,690। मेरा भी एग्जैक्टली मैं तो राउंड फिगर बोलता हूँ, इसलिए अगर मुझे इजाजत होती कि मैं भी राउंड फिगर ना बोल के एग्जैक्ट फिगर बोलता, 10,690 मुझे लगता है वो लेवल है जहाँ तक। तो आपके लिए नीचे की तरफ दो सपोर्ट है, 10,690, 10,750 इन नंबर्स के दम पर, ऊपरी स्तर पर 10,850 और उसके पार निकले तो फिर 10,900। तो कुल मिलाकर मामला वही है। अब आइए निफ्टी बैंक में 26,500 पर खुल रहा है, और यही सबसे अहमियत वाला लेवल है निफ्टी बैंक में, और यहीं पर इसको अटकना है, रुकना है। तो मेरा ये मानना है कि इन नंबर्स के दम पर दोनों तरह के ट्रेड होंगे, लेकिन बेहतर ये है आपको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहना है, कुछ नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका इस वक्त यही है कि कुछ ना करें, और एक चीज क्लियर कट है कि अभी भी इन नंबर्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे आपको डरना चाहिए। ये रिजल्ट बाजार को डराने वाले अभी तक नहीं है, अभी तक जो ट्रेंड है उससे डरना नहीं है, ये क्लियर है। और पिछले कुछ मिनटों में आप देखिए 210 सीटों पर मामला अटका हुआ है, बाकी बची हुई 12 सीटों के रुझान बढ़ नहीं रहे, अब यहाँ आकर अटक गया है मामला बराबर, यहाँ से स्थिति थोड़ी साफ होनी शुरू होगी। क्लियर इंडिकेटिव एक्शन में 10,812 के लेवल्स पर। लेकिन आप देखिए स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उसमें एचयूएल, हम बात अभी कर भी रहे थे नतीजों की, नंबर्स अच्छे आए हैं अभी इंडिकेटिव एक्शन में, ये लगभग 2.5% की बढ़त दिखा रहा है। कुछ और निफ्टी के स्टॉक्स जो कि शुरुआत पॉजिटिव कर सकते हैं उसमें ओएनजीसी है, टाइटन, गेल, टीसीएस, एचपीसीएल, यहां पर 0.5% से 1% तक की बढ़त दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर कुछ छोटे स्टॉक्स देखें हम, कैश के कुछ स्टॉक जो कि इंडिकेटिव एक्शन में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स दिख नहीं रहे किसी भी स्टॉक में, इसीलिए इग्नोर करते हैं। लेकिन हाँ, आज ज्यादा एक्शन निफ्टी के आसपास ही दिखेगा, इसीलिए ये वो तमाम शेयर्स है। कमजोरी वाले स्टॉक्स अगर हम देखें आज के सत्र में तो SBI, हिंडालको, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी शुरुआत हल्के से दबाव के साथ हो सकती है। एक बार ब्रिटानिया और ब्रिटानिया को देख लेते हैं, नतीजे ब्रिटानिया के आज आने हैं, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और FMCG कंपनियों के नंबर्स जैसे हैं उस ट्रेंड को देखते हुए भी नजर रहेगी स्टॉक पर, 0.5% ऊपर है। और साथ ही देख लेते हैं ल्यूपिन, जहां पर आशंका है कि नंबर्स थोड़े कमजोर आ सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गिर सकती है, लेकिन स्टॉक बिल्कुल शांत है, भी इंडिकेटिव एक्शन में 755 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिड कैप में KEC इंटरनेशनल, पोलारिस, बॉम्बे डाई, ये स्टॉक्स अच्छा स्पॉट दिखा सकते हैं नंबर्स के दम पर। और आप देखिए KEC इंटरनेशनल 2.5% ऊपर है, पोलारिस हरे निशान में है इंडिकेटिव एक्शन में, और बॉम्बे डाई को एक बार और देख लेते हैं, यहां भी 0.3% का उछाल अभी देखा जा रहा है पोलारिस पर। इनफैक्ट राकेश आपकी राय नहीं ली थी, क्विक कॉमेंट कीजिए, नंबर्स अच्छे हैं पोलारिस के? दीपाली जी, स्टॉक जो है ऊपरी स्तरों पर एकदम साइडवेज हो रखा है और काफी समय से कोई यहां पर एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक साइडवेज है,
और अगर ये स्टॉक 475 के ऊपर निकलता है अच्छे नतीजों के बाद, तब एक एक मूव यहाँ पर इंट्राडे में 8 से 10 रुपए का देखने को मिल सकता है। आठ से दस के रुपए के आसपास की तेजी बन सकती है। देखते हैं आज सदी भी शुरुआत हो रही है, क्योंकि सब लोग देखना चाहते हैं कि करना क्या है, तेजी करें ना करें, मंदी करें ना करें। इस बीच 211 सीटों का जो रुझान है वो आपके सामने है। 93 सीटों पर बीजेपी है, 91 पे कांग्रेस है, 26 पर जेडीएस है, और इन रुझानों के दम पर अभी तक तो आप ये मान सकते हैं कि बाजार को भरोसा है कि कहीं कोई दिक्कत ना आए बीजेपी को शायद सरकार बनाने में। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन कुल मिलाकर अभी आपको मूड खराब नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिए। इस बीच करेंसी मार्केट में 67.70 रुपए का लेवल जो है डॉलर के मुकाबले में 67.70% वहां कमजोरी बरकरार है। आइए पॉलिटिक्स से स्वागत करते हैं आज के बड़े दिन का, देख लेते हैं किस तरह का एक्शन अब आज होने वाला। कितना वक्त बचा है? एक मिनट बाकी है। ओके, मुझे लगा कि आज रिवर्स वॉच हमारी चल रही है क्योंकि हम इलेक्शन में ज्यादा बिजी हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन वक्त है तो फिर एक बार स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। दीपाली देखिए, निफ्टी पर कमजोर शेयर क्या अदानी पोर्ट, जो बंसल जी कल भी बात कर रहे थे अदानी पोर्ट के, 3% 2.5% क्यों खुलने के संकेत दे रहा है 400 पर? बिल्कुल, कल बात करी थी, और इनफैक्ट सारे अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है, इवन अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, सब एक नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अदानी पोर्ट में तो इनफैक्ट शायद मंदी की पोजीशन भी कल 16% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया था, तो आखिरी मिनटों में हम यही बात कर रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट बड़ी तेजी से बढ़ा है, क्या कुछ शॉर्ट बनने के संकेत लग रहा है, शॉर्ट बनने के संकेत आपको नजर आएंगे। लीवर ये मजबूती देने की कोशिश करेगा इस वक्त बाजार को, इसमें कोई डाउट नहीं कि देखते हैं हम लीवर में क्या कुछ आज देखने को मिलता है। 1530 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। ओएनजीसी दूसरा स्टॉक है जो मजबूती देने की कोशिश करेगा, टाइटन कल की गिरावट से 0.5% ऊपर आने की कोशिश करेगा। नतीजों के दम पर जो स्टॉक एक्शन में दिख रहे हैं तेजी की तरफ, बॉम्बे डाइंग और केस इंटरनेशनल डॉक्टर लाल, जो तीनों शेयर आपने जिक्र किया, 42% पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई। 10,800 पर खुलता हुआ निफ्टी 4 अंकों के नुकसान के साथ सदी हुई शुरुआत है। बैंक निफ्टी में 50 अंकों का नुकसान है, 26,400 के आसपास है। सेंसेक्स थोड़ा सा मजबूत खुलता हुआ दिखा है, 3 अंक ऊपर है, तो न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, समझदारी से ट्रेड होता हुआ दिखा है। इंतजार किया जा रहा है नतीजों का कि देखते हैं और फिर डिसाइड करेंगे जल्दी क्या है काम करने की। ये बहुत ही अच्छा संकेत बाजार का मैच्योर रिएक्शन है इस वक्त नतीजों पर। गुजरात के चुनाव के नतीजों से सीख ली है बाजार ने और नीजर रिएक्शन है। यार वैसे रुझान अभी है भी ऐसा कि आप नीजर रिएक्शन दे भी नहीं सकते, किसी भी तरफ गलत पड़ने की संभावनाएं ज्यादा है। ओके, आइए अब देख लेते हैं स्टॉक्स। 2.5% मजबूत है लीवर और चलना है अभी इसको। आईबुल हाउसिंग 1% मजबूत, वेदांता में अच्छी मजबूती दिख रही है 1% की, यस बैंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, तो फिर कमजोर क्या है? अदानी पोर्ट 1.5% नीचे, एनटीपीसी 1% नीचे, वनडे वंडर था ऐसा लग रहा है, और बजाज ऑटो ग्रासी में थोड़ा थोड़ा नुकसान। वायदा कारोबार के शेयर मैं बता दूं आपको, माय गॉड, पीसी ज्वेलर्स गया 7% नीचे, पीसी ज्वेलर्स का शेयर 166, बंसल जी के टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बंसल जी क्या थे टारगेट पीसी ज्वेलर्स के, तैयार करिए फटाफट, याद है? हाँ अनिल जी, बड़े टारगेट तो डबल डिजिट के हैं, और शॉर्ट टर्म में तो जो एक कंसेंसस व्यू है 160-165 का सपोर्ट वहां तक गिर चुका है, बट मैं अपने जो टारगेट्स हैं डबल डिजिट के हैं। ना आज का बताइए। अरे जी आज के टारगेट्स तो कल भी सेल बोला था, 160 का टारगेट था वो, तो ऑलमोस्ट आज वो कल का था, आज का देखिए आराम से करते हैं। मैं दूसरे बता रहा हूँ, बलरामपुर चीनी 6% नीचे, अलाहाबाद बैंक 3% नीचे, पेज इंडस्ट्रीज 2% नीचे, तो ये कुछ शेयर हैं जो हैं कमजोर। मजबूत क्या है? इंडिगो 2% नीचे, एमएससी इंडेक्स में शामिल होने का फायदा, लीवर 2% ऊपर, जेट एयरवेज में 1.5% का इजाफा, बीएमएल कावेरी सीट जैसे शेयर में थोड़ी थोड़ी खरीदारी। हाँ मिल गया आज के टारगेट्स? बिल्कुल अनिल जी, अगर आज के टारगेट्स की बात करें तो 150 का टारगेट है। बिल्कुल मुझे याद हो गया, तो चलिए तो यह पीसी ज्वेलर्स का हाल 8% नीचे, और स्लिप हो सकते हैं यहाँ से 150 तक जाने की संभावना है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि खबरों के आधार पर एक्शन में है उन्हें देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर शुरुआत जो है वो बढ़त के साथ हुई है, तेजी के साथ हुई, इनफैक्ट 2.5% ऊपर यह स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। जिन नतीजों की हमने बात की थी, केईसी इंटरनेशनल, पोलरिस और साथ ही डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इनकी शुरुआत आप देखें तो पॉजिटिव हुई है तेजी के साथ, 1% ऊपर केईसी इंटरनेशनल है, पोलरिस 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में 2.5% 3% का उछाल है, 1320 का टारगेट है सीएलएसए का, नंबर
नंबर्स भी अच्छे आए हैं, तो ये नंबर्स का इंपैक्ट है। इसके अलावा एक बार बलरामपुर चीनी को फिर से देखेंगे, आपने जिक्र किया अभी था, दरअसल एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स से इसको बाहर किया गया है और आप देखिए 5% की कमजोरी अभी भी इस स्टॉक में बनती हुई दिखी। एचयूएल अपनी मजबूती को अभी भी कायम किए हुए। एक बार कमजोरी वाले स्टॉक्स देखते हैं, अदानी पोर्ट जिसका भी जिक्र हम कर रहे थे, शुरुआत कमजोर हुई है, 1% नीचे ये स्टॉक भी है। टाटा मोटर्स, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, एचपीसीएल कुछ और इंडेक्स के शेयर्स हैं जहां पर कमजोरी 1% 1.5% के आसपास की बनी हुई है। कैश के कुछ स्टॉक्स देखें तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स का ऑलरेडी हमने जिक्र किया जहां पर 3% का मूव है। कुछ टी कॉफी स्टॉक्स, एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट को देखते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में शामिल हुआ, 4.5% का जोरदार उछाल, और इनफैक्ट इस इंक्लूजन से $117 मिलियन के इन्फ्लोज डीमार्ट में आएंगे और आप देखिए अच्छी मजबूती स्टॉक में अभी बनी है। इनफैक्ट इंडिगो, पिडिलाइट, पावर ग्रिड को भी देख लेते हैं, ये कुछ और इंक्लूजन है एमएससीआई इंडेक्स में। इंडिगो करीब 2.5% ऊपर है, कल इनफैक्ट में एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग बनी हुई थी और आज तो खरीदारी दिख रही है। पिडिलाइट और पावर ग्रिड को भी देखते हैं, पिडिलाइट में भी 1.5% की मजबूती, ऑलरेडी बहुत चल चुका है, लाइफ टाइम हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है। पावर ग्रिड यहां भी 2.5% का उछाल है, तो जहां भी अच्छी खबरें हैं वहां पर खरीदारी का रुझान बना है आज के सेशन में, लेकिन इंडेक्स बिल्कुल शांत 10802 के लेवल्स पर। पहला सर्किट नीचे का लगता हुआ पीसी ज्वेलर्स में 10% 11% नीचे, 156.70 का लो बनाने के बाद अब 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो तेज गिरावट होती हुई दिख रही है और ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। और हम कल भी यही बात कर रहे थे कि जब फंड्स इतनी ब्लॉक डील कर रहे हो तो आप सोचे कि फंड्स को बायबैक में देना ही नहीं है, उन्हें मार्केट में बेच के निकल जाना है, तो ये एक संकेत साफ है। और इसके साथ साथ वक्रांगे भी देख लीजिए जो एक बार फिर से नीचे का सर्किट लगाता हुआ, हर रोज 5% फिक्स हो गए इसके नीचे 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 60 रुपए, तो बड़ा सवाल है कि ये सर्किट कब खुलेगा, इसका जवाब किसी के पास है नहीं। आइए दूसरे स्टॉक जो मजबूत है उनमें लीवर, ये है 1.5% मजबूत, यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आपके तो टारगेट सब कौन से, क्या 1509 चाहिए था ना आपको, 1509 पार होने के बाद सर करवा तो दिया अनिल जी, पार अनिल जी लेना चाहिए स्टॉक, हाँ वही तो बताइए। नहीं अनिल जी मैं तो बोला मॉर्निंग में ओपनिंग पे लेना चाहिए, 1550-1555 का एक इंट्राडे का यहाँ पे लक्ष्य रखना चाहिए। स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी है और सेम जिस तरीके से एशियन पेंट्स में रुझान था सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक राय किरण इंडिगो पर दीजिए, आज खबर भी इस पे पॉजिटिव है, एमएसआई इंडेक्स में इंक्लूजन की, कल शॉर्ट कवरिंग बनी भी थी, अभी क्या करें? देखिए इंडिगो में दीपावली जी काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, मैं अभी भी बाय करने की सलाह दूंगा। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका और टारगेट्स के लिए 1240 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, वो भी आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने जो डीमार्ट की बात की, मुझे वो भी चार्ट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और उधर भी मुझे लगता है कि इधर काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। काफी लो फ्लोट काउंटर है तो इधर मुझे लगता है कि 1475 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी। आज के लिए टारगेट्स करीबन 1515 के देखने को मिल जाने चाहिए। अच्छा बलरामपुर चीनी में गिरावट की एक और वजह भी है, आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया, तो बैन से बाहर आते धो दिया इसको, सेम जैसा कल पीसी ज्वेलर्स बैन से बाहर आया था ना, वैसा ही रिएक्शन। कुछ कुछ शेयरों के लिए तो अच्छा है कि वो बैन नहीं रहे, क्यों वैसे आलो बंसी जी सही है, बिल्कुल नहीं जी, बैन में रहता है तो गिरावट से महफूज रहते हैं। एग्जैक्टली कमजोर क्वालिटी तो आज है ना, दो शेयर इस बात में बच गए, देखिए जस्ट डायल और जेपी एसोसिएट, दो और बंसी जी चार्ट पे धुलाई में सबसे आगे थे, ये दोनों चूंकि बैन में आ गए इसलिए आज हमारे जो लक्ष्य थे कल 410-11 के वो अचीव हो चुके हैं, 410 के बाद तो कुणाल जी को संभालना है, 380 410 के नीचे कुणाल जी आ रहा है, कुणाल जी का भी टारगेट आ रहा है, चिंता मत कीजिए वो भी आने की तैयारी तो धुलाई हो रही है और जमकर हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं इन स्टॉक्स में बराबर। और एक्शन जो है एक अलाहाबाद बैंक पर राय ले लिया है, किरण जी जरा देखिए अलाहाबाद बैंक पर क्या राय है। किरण जी आवाज पहुंचे अलाहाबाद बैंक, अलाहाबाद बैंक पे बात कर रहे हैं जी, जी। अलाहाबाद बैंक पे मुझे लगता है कि काफी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आज सब पहले 10 मिनट में ही ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीबन 3% बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से काफी बड़ी वॉल्यूम से बिकवाली होती नजर आ रही है। मेरा स्टॉप लॉस आज के हाई के ऊपर रहेगा जो कि 43.50 रुपीज का रहेगा और टारगेट्स के लिए काफी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा टारगेट ऑन द लोअर साइड 40 रुपए के नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। एक स्टॉक देखते हैं देख रही थी कि कोई खबर है क्या स्टॉक पे, क्योंकि एक का एक इसमें तेजी बनी है। ओके यस 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 एक चीज हो सकती है,
अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बीएमएल का डाइवेस्टमेंट फास्ट होगा। आपको याद है बीएमएल के स्ट्रेटेजिक सेल और डाइवेस्टमेंट पे कर्नाटक की सरकार ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। ये मार्केट पड़ रहा है, ये हमने मिस कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही वक्त पे क्लिक हुआ है। यही चीज हो सकती है जो बीएमएल को ऊपर ले जाने का काम कर सकती है, क्योंकि आप फटाफट खबर ढूंढिए और अंदाजा लगेगा कि बीएमएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर कर्नाटक सरकार ने कहा था इनके पास तो बहुत सारी जमीन है, ये उसी को बेच के पैसे जुटा लीजिए, क्या जरूरत है कंपनी को बेचने की। और अगर केंद्र में भाजपा की सरकार और कर्नाटक के राज्य में भाजपा की सरकार और इसको स्ट्रेटेजिक सेल करना हो, एक बार तो पहले आपने सही कहा, कर्नाटक के जो एग्जिस्टिंग सीएम है सिद्धरमैया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लिखा भी था सीएम को कि आप इसके डाइवेस्टमेंट को रिव्यू कीजिए, उन्होंने क्वेश्चंस उठाए थे। यस 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 यस। तो चलिए बीएमएल सही वक्त पर पकड़ में आया है एक्शन में। मनसल जी बताइए फटाफट, पहले तो ये बताइए कि इसका लाइफ टाइम हाई कितना बना हुआ है? मेरे ख्याल से काफी भागा था, 1600 रुपए कुछ ऐसा। अनिल जी लाइफ टाइम हाई तो स्टॉक का 1900 रुपए, 1900 रुपए है ना, 1900 बिल्कुल 1900 से आधे रह गए। इसके बाद की कर्नाटक की सरकार तैयार नहीं थी। तो एक चीज कर लीजिए, कर्नाटक इलेक्शन से अगर आपको कोई एक स्टॉक जोड़कर देखना है तो ये स्टॉक होना चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार बनती तो बीएमएल के लिए ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर केंद्र सरकार चाहती है डाइवेस्टमेंट हो और राज्य सरकार अगर उसमें ऑब्जेक्शन ना ले तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो बीएमएल आपका स्टॉक है, स्टॉक ऑफ द डे। बताइए अनिल जी, काफी अच्छी इंटेंसिटी का, बड़ी इंटेंसिटी का रिवर्सल देखने को मिला है। इनफैक्ट जब दीपाली जी ने इसको पॉइंट आउट किया था तब 1112 1113 के स्तर थे। स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जिस तरीके से मोमेंटम बना है, शॉर्ट टर्म में 1155 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और एक बार 1155 के ऊपर निकलेगा तो बड़ी तेजी है। ये क्लियर कट अनिल जी संकेत है। बड़ा वाला बताओ ना सर। अनिल जी देखिए, नीचे से काफी आज में काफी चल गया है, जब 75 रुपए। हाँ, तो अनिल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काफी लोग ना लेके परेशान है यहाँ पर, उनके लिए एक राहत है कि चार्ट्स पर क्लियर कट एक ब्रेकआउट के संकेत है, और ब्रेकआउट अनिल जी हुआ है 1100 के ऊपर। टेक्निकली स्टॉक एक बाई मोड पर है, और 1155 के ऊपर अगर हम देखें तो 1167 1170 एक इमीडिएट लक्ष्य बैठता है। स्टॉक क्लियरली एक बाय मोड के अंदर स्टॉक है, और नीचे में जो थोड़ा स्टॉप लॉस है अगर ये 1110 1112 के अराउंड मिलता है तो एक अच्छा बाय होगा, और तब स्टॉप लॉस 1090 के अराउंड लगाना चाहिए। आपने बीएमएल तो देखा, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन देखा, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हम भी देख रहे हैं, डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है वो भी दूसरा, और अब देखिए 25 रुपए ऊपर ही अब आ चुका है, 4.5% की मजबूती। एक्चुअली आज दिन सरकारी कंपनियों का ऐसा लग रहा है क्योंकि पावर ग्रिड, भेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो तेजी दिखाने में आगे बढ़ रहे हैं, ये सरकारी कंपनी के, तो और किसी का हो ना हो, सरकार की आज एनएवी बढ़ने की तैयारी, सेल, सील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पावर ग्रिड, ये तो सारे तमाम जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है वहाँ पर बाइंग बन रही है। ओके, सुनील सुब्रमण्यम का एक व्यू लेते हैं। सुनील जी, आपको बताइए ये सरकारी कंपनियां कैसी लगती है, क्योंकि आप लगातार पैसा तो बाजार में। माय गॉड, एक मिनट सुनील जी जवाब दे, उससे पहले एक बार बता दूं, निफ्टी नए हाईस की तरफ बढ़ रहा है, नए हाईस इन द सेंस की 10834 का कल हमने जो हाई लगाया उसके पार निकल चुका है 10850, और बैंक निफ्टी 25600 की तरफ बढ़ने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। कल के हाईस को बैंक निफ्टी ने भी पार किया है, सेंसेक्स डबल सेंचुरी मारने के मूड में। और ये क्यों हुआ है पता है? कांग्रेस की सीटें आप देखिए वो कम हुई है, रुझानों में 83 आ गए हैं। तो ये सबसे पहले आपको जी बिजनेस पर ट्रेंड सबसे सटीक, सबसे पहले पहली बार जब बीजेपी ने 50 सीटों का आंकड़ा छुआ और कांग्रेस 48 पर थी, तब पहला हमारा चैनल ऐसा था जिन्होंने ये बताया कि देखिए बीजेपी पहली बार आगे हुई है, और उसके बाद लगातार हम देखिए सेंचुरी मारती हुई बीजेपी 100 सीट ट्रिपल डिजिट में सीटें मिलने की संभावना बीजेपी को अब भी, जिसमें 13 सीटों का रुझान आना बाकी है। और ये बेहद इंटरेस्टिंग है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या हो रहा है, कांग्रेस की सीटें घट रही है और बढ़ किसकी रही है? जेडीएस की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका मतलब है कि कांग्रेस बेहद 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 कमजोर हो रही है, वो बाजार को पसंद आ रहा है। भले जेडीएस की बढ़ रही हो लेकिन साथ साथ बीजेपी अगर 100 सीटों पर पहुंच रही है तो ये बेहद इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रुझान बन रहा है और इसीलिए बाजार तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहा है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, सरकारी कंपनियों में तेजी क्या इन नतीजों के दम पर जायज है? देखिए, सरकारी कंपनियों पे तेजी जो हो रही है ना, इसमें क्या है कि आप ये देखिए कि फिस्कल डेफिसिट के लिए जो डिसबर्समेंट का टारगेट है उसमें सरकार जिनकी की बिक्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए बहुत बेहतर चीज है। सेकंड है सरकारी कंपनियों की, हमें सरकारी कंपनी या नहीं इसके नहीं देखना चाहिए, उन सेक्टर के माफिक देखना चाहिए कि क्या है। और बहुत से ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनका एक लिस्टेड स्पेस में ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा लिस्टेड कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की नहीं है,
अंदर, तो इसमें क्या है कि एक स्पेशल प्ले मिलता है। ये जैसे मैं कहूंगा कि जैसे गाड़ियों में देखिए, कार की कंपनियां में मारुति सुजुकी की जो स्टॉक है उसका पूरा कार कंपनी का ये उधर प्ले होता है, वैसे सरकारी कंपनियों में क्या है कि ये मोनोपोली सिचुएशन में जो है उस सेक्टर को प्ले करने खाली ये कंपनी मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। तो ये दोनों हिस्से से देखें हम, एक तरफ इकोनॉमिक के लिए, दूसरी तरफ नई नई कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है उसी सेक्टर में, उसमें सरकारी कंपनी की प्ले जो मिल रही है मार्केट को, उसे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी, एक बार एमआरपीएल और एचपीसीएल को भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की बातचीत तो पहले भी हो रही थी, अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो जो मर्जर है वो इजी होगा। और आप देखिए, हालांकि उस तरह का रिएक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों स्टॉक भी रिजल्ट देने वाला है। कर्नाटक की दो कंपनियों के रिजल्ट है, कर्नाटक बैंक और एमआरपीएल। कर्नाटक विधानसभा के साथ साथ इनके भी नतीजे हैं, तो थोड़े नतीजे पे भी नीचे आज इनके नंबर्स आने वाले, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन कर्नाटक बैंक और एमआरपीएल दोनों में हल्की हल्की बढ़त हालांकि अभी बनी हुई है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के हिसाब से भी एमआरपीएल पर ध्यान देना होगा। एक बार कुछ चुनिंदा कंपनियां देख लेते हैं, हालांकि कैश की कंपनियां हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट में डील करते हैं बेंगलुरु की, क्योंकि अब बीजेपी 100 सीटें अपने खाते में लेकर आ रही, तो शायद इन स्टॉक्स में भी एक्शन बनता हुआ दिखे। एक बार देख लेते हैं शोभा लिमिटेड जो बेंगलुरु में कामकाज करती है, वहां पर क्या रुझान बना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर फोकस आप कर सकते हैं आज के सत्र में, 1% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए, बेंगलुरु में ही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, पूर्वांकरा, इन स्टॉक्स में क्या एक्शन बना है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक्स भी यहां पर हालांकि उतनी ज्यादा बढ़त अभी नहीं बनी है, लेकिन स्टॉक्स पर आप फोकस आज के सत्र में कर सकते हैं। लेकिन एचयूएल अब करीब 2% की बढ़त दिखा रहा है, ओएनजीसी अब करीब 2% की स्ट्रेंथ के साथ ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। ओएनजीसी पे इनफैक्ट राकेश आप एक राय दीजिए, आज इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों पर उन्होंने अपने टारगेट रेज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रूड की चाल को देखते हुए। दीपाली, दोनों स्टॉक्स एक काफी बढ़िया रुझान है दोनों स्टॉक्स में। इनफैक्ट अगर आप ऑयल इंडिया की बात करें तो स्टॉक को कंटिन्यूअसली 220-21 से कंटिन्यूअसली रिकमेंड कर रहे हैं, और टेक्निकली स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है जिन स्तरों पर दीपाली ये ट्रेड कर रहा है 239 पर, इन स्तरों के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और तब मुझे लगता है ऊपर में शॉर्ट टर्म में 253-254 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओएनजीसी अगेन एक बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, इस स्टॉक को 185 पर भी रिकमेंड किया था बाय करने के लिए, और अब इसका स्टॉप लॉस 186 पे आता है, इसको भी बाय करके चलना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में 190-191 का लक्ष्य है। और मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के चुनाव पर है, एक और स्टॉक जो कर्नाटक के चुनावों से जुड़ा हुआ और बड़े एक्शन में है, बीएफ यूटिलिटीज। ये शेयर लाइए आपके सामने, बीएफ यूटिलिटीज का शेयर 6% मजबूत है, 7% मजबूत है, और वजह साफ है। बीएफ यूटिलिटीज, ये भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, उसका शॉर्ट फॉर्म ही वही है, भारत फोर्ज का बीएफ यूटिलिटीज, और ये बैंगलोर और मैसूर के बीच में जो एक एक्सप्रेस वे बनाने का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, नंदी कॉरिडोर जिसको कहते हैं, जो मामला लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है, और उसकी वजह है कि कर्नाटक सरकार साथ नहीं दे रही थी इन्हें वो बनाने के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शन या मेरे ख्याल से हाई कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आने के बावजूद ये मामला काफी लंबे समय से अटका पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब साफ है बाजार ये मान रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन आता है चुनाव का जो कि बाजार के जो बीजेपी की सरकार की तरफ इशारा करता है, तो बीएफ यूटिलिटीज के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ये कम से कम बाजार इस वक्त पकड़ रहा है। बंसल जी, चार्ट पर कुछ बड़े संकेत हैं इसके लिए आपके? अनिल जी, चार्ट पर एक बड़ा संकेत है, जैसे हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे छोटे स्टॉक्स में, इसमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है, 412 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है, एक मंदी खत्म हुई है स्टॉक के अंदर, और टेक्निकली स्टॉक एक बॉटमिंग के संकेत दे रहा है अनिल जी। और एक बार अगर ये स्टॉक जिस तरीके से एक रिवर्सल देखने को मिला है 440 के ऊपर निकलता है, तो बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, मच अवेटेड जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है, एक क्लियर कट संकेत बॉटम फॉर्मेशन का यहाँ देखने को मिल रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये वो कंपनी है बीएफ यूटिलिटीज जिसके पास दीपाली कम से कम 5,000 करोड़ का लैंड बैंक है, 5,000 करोड़ का, जो बेंगलोर मैसूर जो हाईवे का है उसके आसपास की जो जमीन है। और मार्केट कैप कितना होगा जरा, मार्केट कैप का अंदाजा लगाइए, बंसल जी आपकी तो मार्केट कैप दिखता होगा ना, जरा चेक करके बताइए, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएफ यूटिलिटीज में कितनी जबरदस्त वैल्यू हो सकती है। और ये जो बड़ा ट्रिगर है वैल्यू अनलॉकिंग का, कि इसकी अनुमति नहीं मिल जाए, 1,602 करोड़ की मार्केट का, 1,602 करोड़ की मार्केट है, 5,000 करोड़ का तो खाली है। और खबर एक बात, इनका खबर यही है कि जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं नंदी प्रोजेक्ट की, उसको नंदी कॉरिडोर पर कर्नाटक असेंबली ने सीबीआई प्रूव करने की बात कही थी, काफी असमंजस इसको लेकर बना हुआ था, 1,350 करोड़ का इलीगली कलेक्ट किया है इस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो अब जो
असमंजस बना हुआ था वो दूर होगा अगर 100% एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नहीं आती है, तो जिसके संकेत भी है। और ये तो सर्किट वाला स्टॉक है, आप देख सकते हैं 10% बढ़ चुका है। अगर आपका ये मिस हुआ है तो फिर एक और स्टॉक है जो बीएफ यूटिलिटीज का भाई मान सकते हैं, जो साथ साथ बीएफ इन्वेस्टमेंट्स दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ गिरते हैं। बीएफ इन्वेस्टमेंट्स भी देख लीजिए, यहाँ पर भी 7% की मजबूती अब बनती हुई दिख रही है, 355 रुपए के आसपास के दाम है, 357 रुपए के आसपास। तो क्लियर कट बीजेपी की जीत का साफ साफ असर आप इन दोनों शेयरों पर देख सकते हैं। जीत की तरफ बढ़ने का, माफ कीजिएगा, जीत हुई नहीं अभी तक, जीत की तरफ बढ़ने का ट्रेंड जो बता रहा है। बंसल जी, इसके भी चार्ट देखकर बताइए यहाँ पर क्या है। अनिल जी, इनफैक्ट इसके चार्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर बीएफ यूटिलिटी से बेहतर है और पहले भी बेहतर रहा है, हमेशा आउट परफॉर्म करा है इसने। और अनिल जी, ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, 356-57 के अराउंड चल रहा है, 357 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और 357 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 400-404 एक टारगेट बनता है, 404 तक जा सकता है बीएफ इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट आज कुछ ऐसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं जो आमतौर पर चलते नहीं है। बीएचएल को देखिए एक बार, 3.5% की मजबूती इस स्टॉक में दिख रही है। एनसीसी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्पेस के स्टॉक्स में एक्शन है, एनसीसी करीब 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट एनसीसी पर पहले एक राय आप दे दीजिए राकेश, फिर कमेंट लेंगे। एनसीसी एनबीसीसी अच्छा एक्शन है इन स्टॉक्स में। दीपाली, स्टॉक ये सारे स्टॉक जो है एनसीसी एनबीसीसी सब एक करेक्शन से स्टॉक निकल रहे हैं। टेक्निकली यहाँ पर एनसीसी और एनबीसीसी में ट्रेडिंग के नजरिए से कोई बाय पैटर्न नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके, और इस बीच जी बिजनेस का महापोल एग्जैक्टली सही साबित होता हुआ दिख रहा है। हमारे महापोल में हमने बताया था बीजेपी को मिल सकती है 102 सीटें, और इस वक्त जो रुझान है फाइनल रिजल्ट है, ये रुझान है, लेकिन रुझान में भी एक बार जी बिजनेस का महापोल सटीक और सही साबित होता हुआ दिखा है। 102 सीटों पर आगे है बीजेपी, और सबसे बढ़िया बात यह कि अब कांग्रेस की सीटें बाजार को जो चाहिए, मैं बाजार की राय बता रहा हूं, मेरी अपनी नहीं है, कांग्रेस की सीटें धीमे धीमे कम हो रही है, 71 सीटों पर सिमट रही है कांग्रेस, और 37 सीटों पर जनता दल एस ये आगे होता हुआ दिख रहा है। तो जो नुकसान कांग्रेस को हो रहा है वो थोड़ा जेडीएस को मिल रहा है, थोड़ा बीजेपी को मिल रहा है, ये साफ होता दिख रहा है। तो एक चीज क्लियर कट है, क्योंकि सुनील सुब्रमण्यम साहब, इस पर मैं एक राय लेना चाहता हूं, था क्या ये था कि इस चुनाव को क्वार्टर फाइनल माना जाए, फिर जब एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान के होंगे वो सेमीफाइनल है 2019 के फाइनल के पहले, तो क्वार्टर फाइनल में तो कांग्रेस और पिछड़ती दिख रही, तो जो दो ही राज्य बचे थे इनके पास ढंग के सत्ता के तौर पर, उनमें से एक भी निकल गया, क्या बाजार इसे बेहद पॉजिटिव लेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी जो चाहिए गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स में, एक्शन प्लान में, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेशनल में बदलाव होता है तो समझिए कि रोल बैक ऑफ ओल्ड जो कमिटमेंट्स किया था गवर्नमेंट ने, इससे थोड़ा एक झटका लग सकता है इकोनॉमी को, और वो मार्केट को पसंद नहीं होगी। तो बिल्कुल एक कंटिन्यूटी फैक्टर जो आ रही है इस क्वार्टर फाइनल की जो ट्रेंड से, वो मार्केट बहुत खुश होगी, इससे बेहद खुश होगी जी। इस बीच कुछ स्टॉक्स देखते हैं और जहां पर तेजी अच्छी बनी हुई है। बीएमएल की हमने बातचीत की, पावर ग्रिड अब और मजबूत हुआ है, गेल में 1.5% का उछाल है। एक बाटा को देखते हैं, ये 1.25% की बढ़त दिखा रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी बनी। इनफैक्ट श्रीकांत चौहान मौजूद है, उन्हीं से राय ले लेते हैं। ट्रेडर्स थोड़ा तेजी की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं बाटा में आज के सत्र में, 1.5% ऊपर ये आ भी चुका है। श्रीकांत, क्या सलाह है आपकी? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि बाटा इंडिया एक ऐसा स्टॉक है कि जो हमेशा एक स्टडी परफॉर्मर रहा है, और अगर आप इस बार भी इसके फॉर्मेशन को देखते हो तो ये 820 या 815-820 के लेवल्स को छूने के बाद ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है कि जो आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी जोर से आउट परफॉर्म कर सकता है, अपने काफ़ी अच्छे सपोर्ट के करीब अवेलेबल है, 770-760 के करीब इसका बेस बन चुका है। पोजिशनल बेसिस पे इसे बाय किया जा सकता है, आज के जो लोज है 777-775 के, मुझे लगता है हम उसे स्टॉप लॉस के बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। और टारगेट्स यहाँ से रखेंगे वेरी फर्स्ट जो इसके प्रीवियस हाई थे, जो थे क्लोज टू 835-840, बट उसके बियॉन्ड हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले अगर एक साल का अगर व्यू रखे तो लगता है मुझे 1000 के लेवल्स को भी ये छू सकता है। तो 835 इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्टेड है, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है जो भी फॉल आए, जो भी करेक्शन आए, बाय किया जा सकता है, ऑन डिप्स भी बाय कर सकते हैं, इन स्तरों पर भी 835 तक जा सकता है बाटा। मैग्मा फिनकॉर्प देख लेते हैं, अभी एक ब्लॉक डील हुई है, 13 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, 100
83 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। पिछले हफ्ते भी कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी, नंबर से पहले स्टॉक लगातार चला था, नंबर स्ट्रांग आए थे लेकिन मुनाफा वसूली, और उस मुनाफा वसूली में फंड हाउसेस ने बाय किया। तो आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक अब आ चुका है, 8.5-9 रुपए की बढ़त देखी जा रही है। क्विकली आपकी राय राकेश मैग्मा फिनकॉर्प। दीपाली मेरे को लगता है कि इस ब्लॉक डील को मिस नहीं करना चाहिए। स्टॉक ने एक बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट अनचार्टेड टेरिटरी में 185 के ऊपर दिखाया और काफी समय बाद इस कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकला है। टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पर एक रैली देखने को मिल सकती है 188-189 के अराउंड। मुझे लगता है यहाँ पर दीपाली क्लियरली बाइंग करके चलना चाहिए। टेक्निकल पैटर्न काफी बुलिश है, स्टॉप लॉस जो है 180 के अराउंड का लगाना चाहिए और स्टॉक डबल सेंचुरी मारने का दमखम रखता है। एक इससे मुझे ख्याल आया और मेरे स्क्रीन पे एक बड़ा स्टॉक बहुत तगड़े एक्शन में आने की तैयारी कर रहा है और बेहद क्वालिटी स्टॉक भी, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देखिए आज जो बिल्टअप होता दिख रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया। बजाज फाइनेंस तो निफ्टी का हिस्सा भी है, राइट? 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2.25 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट जुड़ता हुआ दिख रहा है। 1.25% स्टॉक मजबूत है, बड़े दिनों बाद सुस्ती से जागा है, क्या दौड़ लगाने को तैयार है और ये एंट्री करने का सही वक्त है? बंसल जी बताइए। अनिल जी ये स्टॉक करेक्टिव मोड से गुजर रहा है स्टॉक, मेरे को लगता है कि 10 रुपए अनिल जी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार 1900 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है, 1900 में क्या बड़ी बात है, 1900 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए में क्या बड़ी चीज है? अनिल जी ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट चाहिए अनिल जी। ओके, अगर अनिल जी प्री मेच्योर ब्रेकआउट में ना दिक्कत हो जाती है, 10 रुपए आप कह रहे हैं 10 रुपए बड़ी बात नहीं, तो 10 रुपए रुकना चाहिए। ये बात भी ठीक है, 1900 के ऊपर लेना चाहिए अनिल जी, 1900 के ऊपर 1940-1945 के लेवल्स मुझे लगता है देखने को मिलेंगे और तब स्टॉप लॉस जो है 1881 पे लगाना चाहिए। 2 दिन बाद इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के नतीजे भी आने हैं और नंबर्स तो दमदार एक्सपेक्टेड हैं ही बजाज फाइनेंस के, तो इसीलिए भी इसमें एक्शन बना रहे हैं। कब आ रहे हैं रिजल्ट? 2 दिन बाद हैं। 2 दिन बाद आ रहे हैं, मतलब आज ट्यूसडे है, थर्सडे को नंबर आएंगे। तो फिर इसका मतलब डरिए घबराइए मत, क्योंकि बंसल जी आपका 1890 जो चाहिए ना वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो दीपाली ने कहा है रिजल्ट के पहले का बिल्टअप है। मैं वही सोचा था इतने दिनों की सुस्ती से ये स्टॉक हिला क्यों, तो रिजल्ट के पहले का बिल्टअप है और रिजल्ट के पहले का बिल्टअप अगर आज सुबह से शुरू हुआ है ये स्टॉक फिर रुकेगा नहीं। और एक और आप नोट कर लीजिए बजाज फाइनेंस। अनिल जी दो स्टॉक्स और अच्छे लग रहे हैं वायदा बाजार से। अनिल जी एक तो डाबर काफी अच्छा लग रहा है, 371 के अराउंड चल रहा है, एक रीजनेबल सा स्टॉप लॉस 364 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ पे 380-382 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा अनिल जी हाउसिंग फाइनेंस है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, बैंड में है सर, बाहर काम बैन से बाहर निकालो इसको, आप कंसोलिडेशन से निकल जाएगा, बैन से कम निकलेगा, अवॉइड कर बैन। नहीं नहीं आप बता दीजिए कैश के लेवल दीजिए, क्योंकि बैन में मैं स्टॉक्स को जनरली अवॉइड करता हूं, इसलिए मैंने कहा आपको अलर्ट कर दूं। नहीं मैं लिस्ट में था लेकिन वो इस बीच आप एक नतीजे और देख लीजिए, जेडीएस के खाते में सीट्स बढ़ रही है और कांग्रेस तेजी से नीचे आ रही है 65। ये तो मामला ठीक है, और अगर बीजेपी 102-103-105 तक पहुंच गई तो फिर जेडीएस की भी ज्यादा इसमें एक राय ली जाए। फटाफट हमारे साथ बाजार के एक और दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी अजय श्रीवास्तव साहब। अजय जी स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपको ताजा आंकड़े बता दूं, अभी अभी हमारे पास जो है 222 सीटों में से 211 का रुझान है, हमारे पास 102 सीट बीजेपी की, और ये भी आपको बता दूं कि जी बिजनेस से जो महापोल करवाया था हमने एग्जैक्टली 102 सीटों का रुझान बीजेपी के लिए बताया था वहां पहुंच गई है। 65 सीटों पर कांग्रेस है, जेडीएस 41 पर है, कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, थोड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है उसका और जेडीएस को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि नेशनल पार्टी के बजाय रीजनल पार्टी पर लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं जेडीएस पर। ये बताइए पहले ये जो रुझान है बाजार के लिए कैसे है? बाजार के लिए तो ठीक है कि इसमें कोई नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव तो खैर देखा जाएगा बाद में, बट आई थिंक बाजार ने एक तो फैक्टर कर लिया था कि इस इलेक्शन के अंदर में रूलिंग पार्टी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो रहेगा उस तरीके से मार्केट ने अपना बढ़ाव तो कर लिया था लास्ट 3-4 दिन में, यू नो, बट मार्केट का एक अलग तरीका हो गया सोचने का कि इट डजंट मैटर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। बात ही आपने देखा था कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वोट्स के लिए 19 दिन तक कंपनी ने नहीं बढ़ाया ऑयल प्राइसेस, कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता कांग्रेस है बीजेपी है एक्स है वाई है जेड है. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं आपको. इंपॉर्टेंट थिंग इज किस तरह की कंपनियां आगे बढ़ के बढ़ेंगी और वो मार्केट ने अपना बड़ा क्लियर डिसीजन दे दिया है कि लार्ज कैप की तरफ में अब रुझान ज्यादा आ गया रुझान सबका. स्मॉल एंड मिड कैप में प्रॉब्लम आ गई है वहां पर खरीदारी बहुत कम हो गई है और इस एनवायरमेंट में जहां इंटरेस्ट रेट इतने हाई जा रहे हैं प्लस रूपी का डिप्रिसिएशन हो गया है एमटीएम लॉसेज आएंगे रूपी डॉलर के लोन्स के ऊपर में इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी नेशनल बैंक की हालत जो है आप जानते हैं तो उससे क्रेडिट स्क्वीज तो हो ही रहा है मार्केट के अंदर में तो उसका नतीजा यह होगा कि स्मॉल और मिड कैप और स्क्वीज होंगे इस साल में और लोग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में आके अपना मिड कैप पोर्टफोलियो छोड़ के लार्ज कैप की तरफ चले जाएंगे. तो इलेक्शन रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को. मार्केट एक तरफ जा रही है लार्ज कैप की तरफ और आई थिंक वो और एक्सलेट होगी अगले तीन महीनों में. लेकिन क्या नए रिकॉर्ड हाइस की तैयारी कर लेनी चाहिए. ठीक है अगर इलेक्शन रिजल्ट्स को ना भी देखें उसके अलावा जो फैक्टर्स है उनको देखें जैसे कि अर्निंग सीजन है वो बेहतर रहा है तो मौजूदा जो संकेत है बाजार के लिए उसमें रुझान क्या लग रहा है. देखिए अर्निंग सीजन तो यू नो कहना गलत होगा कि बहुत ही बढ़िया गया है. अर्निंग सीजन में इनफैक्ट काफी डिसअपॉइंटमेंट भी आई है. सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जैसा आपने देखा टाइटन आया टाटा ग्लोबल आया कंज्यूमर स्टॉक्स में डिसअपॉइंटमेंट आई है जबकि नेस्ले और हिंदुस्तान लिवर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपके लिए. बट ये देख सकते हैं कि हम लोग की निफ्टी हाई बनेगी. हमने कहा सूर्य किसी चैनल पे कि निफ्टी हाई बनेगी बिफोर द जनरल इलेक्शन और वो इसलिए बनेगी कि ग्रोथ स्टोरी तो एक तरफ है बट जो अन इन्वेस्टेड लोग हैं मार्केट के अंदर में जिनकी पीएमएस में ले लीजिए म्यूचुअल फंड में ले लीजिए जहां भी ले लीजिए वो जो लार्ज कैप में कम उनका निवेश है वो जाएंगे. प्लस लार्ज कैप में तीन चार स्टॉक्स हैं जिसकी री रेटिंग ऑलमोस्ट इमिनेंट है जैसे एलएनटी ले लीजिए आईटीसी ले लीजिए थोड़ा सा फार्मा ले लीजिए. तो ये दो तीन स्टॉक और अगर सपोर्ट करेंगे रिलायंस के साथ में तो बैंकिंग स्टॉक तो हाई सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस मार्केट में. यही इंडेक्स को आपको न्यू हाई पे लेके जाएगा इस साल के खत्म होने से पहले. ओके और इस बीच मेटल्स लगा रहे हैं तेज दौड़ यहां पर एक्शन होता हुआ दिखा है. टाटा स्टील ये बढ़ा है 2.5% टाटा स्टील का कल बंसी जिक्र किया था मैंने आपसे अनिल जी हमने जिक्र किया था और हम दोनों को आधा आधा कम कम पसंदार था लेकिन एक बाय कॉल दिया था 622 623 के लक्ष्य के लिए और वो लेवल्स अचीव हो चुके हैं. एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि जो आयरन और माइनिंग पॉलिसी है उसमें पोटेंशियल चेंजेस हो सकते हैं. कर्नाटक में तो ये बड़ा माइनिंग वाला बड़ा मामला है और इसीलिए एक्शन में रह सकते हैं. मेटल स्टॉक्स जैसे अभी एक 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 चीज जो है यही हर स्टॉक का एक्शन आप जो एबनॉर्मल एक्शन हो रहा है जो उम्मीद के से हटके उसमें देखना शुरू कर लीजिए कर्नाटक का क्या रोल है और ये कर्नाटक का रोल साफ दिख रहा है. तो देखिए जो स्टॉक और मुझे नहीं लगता है दीपाली किसी भी और चैनल पे ये स्टॉक्स डिस्कस होंगे. बिल्कुल कोई बीएमएल अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को भी व्यू मिली रहा है. सर बंसल जी मैं बोल तो रहा था इंतजार मत कीजिए 1900 हो जाएगा सर बजाज फाइनेंस. अब बताइए नहीं अनिल जी बाय करके चलना चाहिए काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है. 1900 हो गया अनिल जी फ्यूचर में हुआ है आपको कैश का लेवल चाहिए. कैश का लेवल चाहिए बट अनिल जी नो डाउट स्टॉक एक क्लियरली बाय है 1900 के ऊपर और टेक्निकली 1900 के ऊपर निकलता तो अनिल जी 1944-1945 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और तब जो स्टॉप लॉस अनिल जी 1881 पे लगाना चाहिए. ठीक है तो तेजी यहाँ से और बढ़ सकती है. बजाज फाइनेंस पर फोकस करें. 17 मई यानी थर्सडे को नतीजे आने हैं. नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और ट्रेंड जैसा रहा है कंपनी को आगे भी बरकरार रह सकता है. इस बीच एक स्टॉक और देख लेते हैं जहां पर तेजी बनी है. इनफैक्ट इसे छोड़ते हैं. पावर ग्रिड एक स्टॉक है जहां पर मजबूती और आई है. डेल्टा को आप देखिए कैश का स्टॉक है लेकिन तेजी में आया है. ये स्टॉक भी 3.5% ऊपर. एम्फेसिस पर इनफैक्ट राय दीजिए आप राकेश. हमने कल भी स्टॉक की चर्चा की थी. कल भी ये बढ़कर बंद हुआ था. आज ही मोमेंटम बरकरार है 3% ऊपर है. तेजी की पोजीशंस होल्ड रखें. दीपाली क्लियरली होल्ड रखना चाहिए. इनफैक्ट स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और टेक्निकली शॉर्ट टर्म में 1030-1031 एक इमीडिएट टारगेट है. ओके और इस बीच पीसी ज्वेलर्स निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ दिखा है. 20 रुपए ऊपर आया 156-157 रुपए का लो बनाकर 177. इंटरेस्टिंग है किसी को लेना भी है लगता है. वाह चलिए यार शॉर्ट कवरिंग हुई होगी. थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग तो हो ही सकती कोई बड़ी बात नहीं होनी भी चाहिए ठीक है हर लेवल पर. लेकिन कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में साफ तौर पर दिख रहे हैं जो निफ्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं आज के सेशन में उसमें आप देखिए पावर ग्रिड
टाटा स्टील, इवन टाइटन कल की गिरावट से उबरकर काफी मजबूती के साथ आ रहा है। तो जहां जहां एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव की वजह से थोड़े फ्लोज आने की संभावना बनती है, तो आज पावर सेक्टर इस लिहाज से थोड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स फिर से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, यही बैंक निफ्टी को जोश देने का काम करे। तो एक काम करते हैं, एक बार प्राइवेट बैंक्स पर राय ली जाए। अजय जी बताइए, क्या ये एक स्पेस है जो आपको पसंद है, कहीं मौका है निवेश करने का, या यहाँ पर भी आपको लगता है कि थोड़ा इंतजार किया जाए करेक्शन का? देखिए, इंतजार में तो जो हमारी जिंदगी गुजर जाएगी अगर उस इंतजार में रहेंगे तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है इन प्राइवेट बैंक्स की। अभी भी आप मान लीजिए 3 साल बाद हम अगर फिर हम रहे तो मिलेंगे, ये बैंक की अभी शुरुआत है। क्योंकि जो इस साल हुआ है वो मेजर चेंज हुआ है कि देखिए पीएसयू बैंक में से आधी बैंक पे ऑलरेडी मॉरेटोरियम है कि वो लैंड नहीं कर सकती है। हमारी एनालिसिस है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर पावर सेक्टर के एनपी आ गए तो 90% ऑफ द पीएसयू बैंक लैंड नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर में। तो ये तो एक खुली बाजार मिलेगी इन बैंकों को करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में कितनी बैंक है, टोटल 4 बैंक है जिनमें आप निवेश कर सकते हो, कहने में कोई बुराई नहीं है, एचडीएफसी, कोटक, येस बैंक, इंडसइंड। पांचवी बैंक को ढूंढने जाओगे आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो जब 4 बैंक के अंदर में कॉन्सेंट्रेशन होती है इन्वेस्टर की तो पी भी बढ़ेगी, मार्केट बुक बढ़ेगी। बट इनको आप ले लीजिए, इनको सोचिए मत, इनको ले लीजिए। ये प्रोसेस तो अभी शुरू है। आप ये सोच लीजिए कि 3 साल बाद 60-70% ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसेस मूव फ्रॉम नेशनलाइज बैंक टू प्राइवेट बैंक, इन बैंक का साइज क्या होगा? और ये तो पक्का है कि नेशनलाइज बैंक में अब रिवाइवल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। उसको तो मतलब आप राइट ऑफ कैंडिडेट की समझ लीजिए, उसमें बहुत मुश्किल हो कुछ भी होना। आप चाहे कुछ मरी सरकार जितना मर्जी पैसा डाल दे, अब सब जब चेयरमैन को आप अरेस्ट करेंगे तो नीचे वाले लोग तो काम नहीं करेंगे। तो उनसे मतलब है कि ये बैंक अब धीरे धीरे शटरिंग की तरफ जा रही है। तो इसलिए आप बिना सोचिए, बिना हिचक के ये 3-4 बैंकों में, हमारा इनमें सब में निवेश है तो ये डिस्क्लोजर है, आप चुपचाप कर लीजिए। नाउ इश्यू आता है आईसीआईसी और एक्सिस बैंक में कि उधर क्या करें। वो ये 2 बड़ी प्राइवेट बैंक हैं जो बड़ी दुविधा दे रही है इन्वेस्टर को कि जो इन्वेस्टेड है उनका रिटर्न नहीं आ रहा, जो बाहर बैठे हैं सोच रहे हैं क्या करें। इस दुविधा के लिए वेट करिए, जब भी मैनेजमेंट चेंज होगा इन 2 बैंकों में आप इसमें जा सकते हैं वापस। एक में तो निश्चित है एक्सिस में दिसंबर से पहले होगा, आईसीआईसीआई का वेट करिए, जिस दिन मैनेजमेंट चेंज होता है उस दिन आप निवेश करना शुरू कर दीजिए। तो इसमें तो बेहिचक, बेसोच, बेखौफ करियर इन्वेस्टमेंट। ओके, बेखौफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, एकदम ठोक बजाकर कह रहे हैं अजय जी। आइए एक स्टॉक जिसका नाम मैंने भी आज ज्वेलर का भी आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ भी एक ब्लॉक डील हुई है, 7-8 लाख शेयरों का सौदा हुआ 171 के भाव पर, इसीलिए उसमें थोड़े से अपटेक दिखे थे अभी। नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इसके चक्कर में पड़ो मत। ये तो जहाँ जहाँ जिसकी प्राइस है निकलते जाना भाई, नहीं तो फिर दुखी होंगे, फिर पूछेंगे क्या करें क्या करें। E2E नेटवर्क, इस शेयर का नाम मैंने भी आज पहली बार ही सुना, E2E। और ये स्टॉक यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक हुआ है 8 लाख शेयरों का, पता नहीं ये क्या कंपनी। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 49% ऊपर दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, 49 आपको भी दिख रहा है 49%। अनिल जी दिख रहा है, और ये कोई अलग कैटेगरी का स्टॉक है, एसटी कैटेगरी में लिस्टेड है और इसके चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। चार्ट तो मैं पूछ ही नहीं रहा, खाली मैं तो खाली कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो दिख रहा है आपके यहाँ भी दिख रहा है ना, मैसेज नहीं। पता नहीं शायद आज लिस्ट हुआ है, ऐसा लगता है कोई एसएमई आईपीओ तो नहीं है जो लिस्ट हुआ है। एसएमई में अनिल जी एसएम का कोड आता है, इसमें एसटी का कोड आता है, एचटी एसटी एसटी। एसएमई में ट्रेड टू ट्रेड तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, भगवान जाने। चलिए ठीक है, 875 को पार करने की तैयारी कर रहे हैं निफ्टी, 105 सीटों पर बीजेपी अब आगे है, तो बहुमत से सिर्फ कुछ ही कुछ आपके लिए बना लेंगे भाई सरकार, मतलब बहुमत राज्यों के लिए सही है 105। ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से जिस स्पीड से मामला चल रहा है कांग्रेस की 50 के आसपास ना रह जाए। बिल्कुल, सबसे तेज नतीजे आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखने जी बिजनेस पर देख लीजिए। जो शुरुआती रुझान, सबसे पहला रुझान 50 सीटों पर बीजेपी आ गए, तब कांग्रेस 48 थी, पहली बार बीजेपी ने पार किया कांग्रेस को। और इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि यही अगर 8 बजे मार्केट खुले होते तो निफ्टी 100-150 नीचे हो जाता ना पहले रुझान पे। अच्छा हुआ गुजरात से हमने सबक सीखा कि पैनिक नहीं करना, बस तो पैनिक नहीं करना और हड़बड़ी नहीं करना। अब स्थिति साफ हो रही है, अब जिसको जो बाजार पे व्यू लेके करना है। अब मैं एक चीज लेना चाहता हूँ, किरण मुझे एक चीज बता दीजिए, अब अच्छा श्रीकांत माफ कीजिएगा, श्रीकांत एक चीज बता दीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अब स्टॉप लॉस बता लीजिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए कि इसके नीचे जाए तो ही तनाव लेना है, नहीं तो तेजी बनी रखनी है, बस वो बता दीजिए।
अनिल जी, मुझे लगता है कि अगर आप पूरे लास्ट 10-15 दिन की अगर ट्रेंड को देखते हो तो कल के दिन में अगर आपने देखा होगा तो काफी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था 10700 में। मुझे लगता है कि 10700 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा मार्केट के लिए, और मुझे लगता नहीं कि उसके नीचे अगर मार्केट जाए तो यस, उस वक्त हमें पैनिक करना चाहिए या तो मे बी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और भी प्रॉब्लम। बट 10700 का अभी सपोर्ट लेके मुझे लगता है कि मार्केट एक बार काफी 11000 के क्लोज बाय आ सकता है। तो ये ओवरऑल फॉर्मेशन है, 10700 के फाइनल स्टॉप लॉस होने चाहिए। और बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि वहां पे 26000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ के चल सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में हमने काफी अच्छा ऑलरेडी एक सेल ऑफ देखा हुआ है और उसमें से वो उभर चुके हैं ऐसा मुझे लग रहा है। यस, वहां पे भी अभी तक वहां पे कोई जाके कोई बड़ा ट्रेडिंग बाय कर ले या तो इन्वेस्टमेंट कर ले वैसा कोई व्यू नहीं बन रहा है, एक्सेप्ट स्टेट बैंक या तो यूनियन बैंक। बट प्राइवेट बैंक्स की जो तेजी है वो मुझे लगता है कि बरकरार रहेगी। आप इंडसइंड बैंक देखिए या तो आप एक्सिस बैंक देखिए, उसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट बना है और ये जो फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रांग फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि स्टॉक वापस 620 या 630 के लेवल्स को छू सकता है। तो यही एक स्टॉक है कि जो बैंक निफ्टी को और यहां से ऊपर लेके जा सकता है। तो समय मुझे लगता है 26000 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में पकड़ के चल सकते हैं और 10700 का स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए। ओके, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए इस वक्त का रुझान, साफ तौर पर दिख रहा है मजबूती के साथ। बंसल जी, आप भी अपने मुझे स्टॉक लॉस बता दीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, ताकि क्या है लोगों को तेजी की पोजीशन होल्ड करनी है तो करते रहे आराम से। मेरा जो रुझान मेरा जो आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पर, थोड़ा दूर का दीजिए श्रीकांत जी ने, 10800 के नीचे क्लोज हो तो अब तनाव लेना है, ठीक है क्या? नहीं अनिल जी, बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी में मुझसे पूछे तो अनिल जी, मैं तो ये मानता हूं कि 26500 के ऊपर हम निकले हैं तो 26500 के नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो ही यहां पर सावधान हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ निफ्टी के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 10780 अब एक अच्छा बेस है, इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तब यहाँ से मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। ओके, इसके नीचे जाए तो ही आपको टेंशन लेनी है, 26800 का लेवल। तो हमारा जो अंदाजा था बंसल जी, एक बार फटाफट रिवाइज कर लें क्या? रिवाइज कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि कि अगर पहला जो सिनेरियो था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए तो निफ्टी 10950-11000 की तरफ जाना चाहिए और बैंक निफ्टी 26800-27000 की तरफ, तो 26800 वाला बैंक निफ्टी का टारगेट तो हुआ हासिल। चलिए, इस बीच एक स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगाने को तैयार हो रहा है, ये बेहतरीन एक्शन दिख रहा है मुझे, जरा अरविंद दिखाइए इस स्टॉक में क्या हो रहा है। अरविंद 1.25% मजबूत हुआ है और ओपन इंटरेस्ट में बढ़त आती दिख रही है मेरी स्क्रीन पर, 2,00,000 शेयर नए जुड़े, 3.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ तेजी की तैयारी कर रहा है बड़ी बंसल जी, जरा बताइए फटाफट। बिल्कुल अनिल जी, तेजी की तैयारी है। इनफैक्ट स्टॉक कल से रडार पे था, कल प्राइस एक्शन एक बार देखने को मिला था, आज प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों के अंदर एक एक्शन देखने को मिल रहा है। 425 का अनिल जी एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहां पर एक बड़ी तेजी, मतलब 455। हाँ अनिल जी, इंट्राडे की बात करें तो 440-443 और मेरे टारगेट अनिल जी थोड़े से आपसे 10 रुपए ऊपर 458-460। वाह, चलिए 458-60 तक के टारगेट्स हैं और इस स्टॉक को तो मेरे ख्याल से बंसल जी पोजिशनली ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, है ना, वो ज्यादा बढ़िया है बजाय इसके कि आप इसको रोज रोज वाला ट्रेड करें, मतलब नहीं है। आइए, तो ये एक स्टॉक है जहां बड़े एक्शन की तैयारी होती दिख रही है, ये एक्शन स्क्रीन पर आते ही हमने आपके सामने रखा है। सीमेंट शेयरों पर राय लेना चाहता हूं सुनील सुब्रमण्यम साहब आपसे, सारे के सारे खराब हो रहे हैं, कमजोर है, चलते नहीं है, क्या व्यू है इस सेक्टर पे आपका सर? दूर रहना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि पीएसयू बैंक में सिर्फ क्यों कह रहा हूं मैं कि ऐसे नहीं है कि वहां पे अच्छे बैंक नहीं है, मगर इश्यू क्या है कि ये एनपीए की प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन में बिल्कुल बैंक की मर्जर होनी है। तो मर्जर का सीन ऐसा होता है कि एक अच्छा बैंक भी बुरा हो सकता है, एक बुरा बैंक भी अच्छा हो सकता है आफ्टर द मर्जर। तो कौन से बैंक को किस बैंक के साथ आरबीआई और गवर्नमेंट कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मर्जर की डिसीजन लेगी ना, ये अनसर्टेनिटी है। तो अब ये गलत टाइम है कि चूज करना कि कौन से बैंक में अभी करना चाहिए, तो ये अभी दूर रहने से बेहतर है। मगर अल्टीमेटली पीएसयू बैंकिंग सिस्टम कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये ब्लड ऑफ द इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बैंक की लेंड। सुनील जी, नहीं नहीं, मेरा सवाल सीमेंट शेयरों पे, सीमेंट क्यों खराब है? अच्छा, मैंने गलती से सुन लिया, सीमेंट पे क्या सवाल था, रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ भाई, देखिए ये सीमेंट शेयर चलते नहीं है,
तो इस पे मेरा मैं आपसे व्यू जानना चाहता हूँ, क्या ये गिरे हुए हैं तेजी के बाजार में भी खरीदना चाहिए या दूर रहे? सीमेंट सेक्टर पे व्यू क्या आपका? सीमेंट सेक्टर पे आपको ज्योग्राफी की पढ़ाई करनी है क्योंकि क्या कह रहा हूं मैं कि देखिए ओवरऑल 2020 के अंदर कई ज्योग्राफीज में सीमेंट का शॉर्ट सप्लाई होने वाला है, ओके, और कई सेक्टर्स में एक्सेस सप्लाई होगी। ये कौन से क्षेत्र होंगे? साउथ में सरप्लस सीमेंट कैपेसिटी होगी और नॉर्थ और ईस्ट में शॉर्टेज होगी। तो अगर आप कंपनी को चुन रहे हैं, सीमेंट वाली कंपनी को जिनका प्लांट नॉर्थ और ईस्ट में है, उनको आप खरीदें क्योंकि वहां पे शॉर्टेज होगी और प्राइसेस जो होती है वहां पे बढ़ेगी। तो क्यों कह रहा हूं मैं ये कि सीमेंट में ये एक खासियत है कि 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर सीमेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मॉइस्चर अब्सॉर्ब होके वो एकदम हड्डी की तरह बन जाती है। तो ऐसे जो लोकल फोर्सेस जो है, आप देखिए नॉर्थ और ईस्ट में ना ही गवर्नमेंट की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप है, वहीं जीडीपी की ग्रोथ भी बहुत बढ़त दिख रही है और सीमेंट का डिमांड उधर ही ज्यादा लगेगा क्योंकि खास तौर से रोड की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें कॉन्क्रीटाइजेशन की जो प्रोग्राम है वहां से देखिए एक टार वाली चीज से अभी सीमेंट और यू नो स्टील की उधर ज्यादा यूसेज होगी। तो मेरे ख्याल में सीमेंट एक बहुत स्पेसिफिक सेक्टर है जहां पे आपको ज्योग्राफी स्टडी करनी चाहिए कि कहां पे है किस कंपनी की प्लांट्स। ब्रॉडर सीमेंट सेक्टर पे आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि साउथ में कैपेसिटी सरप्लस है। इस बीच निफ्टी 10,900 के पार है और बैंक निफ्टी 26,800 के। इनफैक्ट इन्हीं लेवल्स के हमने बात की थी कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है तो 10,950 निफ्टी पर पहले लेवल्स रहेंगे और 26,800 बैंक निफ्टी पर। रिवाइज करेंगे थोड़ा और ऊपर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। तो क्या टारगेट? 10,950-11,000 है ही निफ्टी का टारगेट और 27,000 बैंक निफ्टी का टारगेट है ही। आपको एक चीज और बताऊं मैं दीपाली, मैंने क्या किया आज, मैंने ना एक डेटा मंगवा के रखा है इसलिए मेरे पास में। अच्छा। इस कागज में है वो डेटा। क्या है इसमें? 29 जनवरी 2018 इस साल पता है क्या हुआ था? अब ऐसे आप नहीं, आपने रिसर्च किया। 11,171 हुआ था। अच्छा, निफ्टी ऑल टाइम हाई। तो मैंने कहा आज वो शुभ दिन हो सकता है जब इस डेटा को याद कर लिया जाए क्योंकि हमें उस तरफ तो बढ़ना ही है ना। बिल्कुल बढ़ना है। तो बिल्कुल, तो 11,171 29 जनवरी का लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का। 11,130 ये क्लोजिंग बेसिस पर लाइफ टाइम हाई है और बैंक निफ्टी 29 जनवरी का लाइफ टाइम हाई है 27,652 और क्लोजिंग बेसिस पर 27,498। तो ये डेटा मैंने इसलिए मंगवा के रखे हैं और मैंने पहले ही लिखा था अगर बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती है तो लाइफ टाइम हाई भी डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स न्यू लाइफ टाइम हाई। याद है मुझे 10,950 से 11,000 और फिर 11,000 के ऊपर भी जा सकता है। 26,870 तो बिल्कुल सही दिशा में। और एक चीज और खास बात है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई बाजार की, जैसे जैसे रुझान आए वैसे वैसे रिएक्ट किया और धीरे धीरे चल रहा है। सबको मौका मिला अपने खरीदने का, समझने का, पोजीशन बनाने का। और वैसे तो आज ज्यादा एक्शन होगा नहीं कमोडिटी मार्केट में, इक्विटी में, ये फिर भी रस्म अदायगी कर लेते हैं। बड़ा एक्शन है अनिल जी, क्या बात कर रहे हैं? क्रूड का ऑप्शन अभी अभी लॉन्च हो रहा है। अरे हाँ, आज तो आपके गोल्ड के बाद, हाँ तो गोल्ड के बाद दूसरा ऐसा ऑप्शन होगा जो एमसीएफ पर लॉन्च होने जा रहा है। और बस 30 सेकंड बचे हैं और इनफैक्ट हो गए हैं लॉन्च, 10 बज चुके हैं और एमसीएफ पर क्रूड का ऑप्शन लॉन्च हो चुका है। जून और जुलाई का ऑप्शन यहाँ पर शुरू हुआ है क्रूड का और जून ऑप्शन की एक्सपायरी 15 जून को है और जुलाई ऑप्शन की एक्सपायरी 17 जुलाई को यहाँ पर तय की गई है। तो एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं और सबसे पहले जी बिजनेस पर देख रहे हैं कि क्रूड का ऑप्शन आज से एमसीएक्स पर लॉन्च हो गया है। लॉट साइज 100 बैरल का यहाँ पर तय किया गया है और क्रूड ऑप्शन में कुल स्ट्राइक जो है वो 17 होंगे और हर स्ट्राइक प्राइस में ₹50 का अंतर होगा। और इंडिविजुअल के लिए जो पोजिशन लिमिट है वो 9,60,000 बैरल है और मेंबर के लिए पोजिशन लिमिट 96 लाख बैरल यहाँ पर तय किया गया है। हमारे साथ किशोर नारने हैं इस पर बातचीत करने के लिए, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। किशोर, क्रूड का ऑप्शन लॉन्च हो चुका है, लंबा इंतजार बाजार का खत्म हुआ, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गुड मॉर्निंग, बहुत खुश है हम लोग काफी समय के बाद एक अच्छा प्रोडक्ट में कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। क्रूड अच्छा कमोडिटी इसलिए है कि बहुत अच्छा वॉलेटाइल रहता है, ट्रेडर्स का फेवरेट कमोडिटी रहता है और ऑप्शन में वॉलेटिलिटी बहुत जरूरी होता है। अगर वॉलेटाइल नहीं है तो ऑप्शन एक्चुअली कुछ चलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से लॉट साइज भी 5 लाख के अंदर का लॉट साइज है तो रिटेल का पार्टिसिपेशन का उम्मीद है
और ऑफ लेट जैसे भी अगर मार्केट काफी रैली हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डर रहता है कि कहीं ना कहीं मार्केट ना गिर जाए, ऐसा मौके पे एक्चुअली क्या है कि फ्यूचर्स में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, और ऑप्शंस आपको एक अच्छा मौका देता है कि आपका लिमिट लॉस लिमिट कर सके, फिर भी आप पार्टिसिपेशन भी कर सके। तो आई थिंक समय भी बहुत अच्छा है और लॉट साइज भी अच्छा है, और हमारे उम्मीद ऐसा है कि काफी रिटेल पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, और ये गोल्ड के मुकाबले सस्ता भी होगा इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करना, क्रूड ऑप्शंस में ट्रेड करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत छोटा कॉन्टेंट है। ये जरा आप बता पाएंगे कि गोल्ड में कितना, यहाँ पर गोल्ड के मुकाबले कितना सस्ता है क्रूड ऑप्शंस? गोल्ड में क्या होता है कि आपको 31 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, और आपको कम से कम 1% के आसपास की भी प्रीमियम होता है जो, और गोल्ड में क्या होता है कि एवरी अल्टरनेट मंथ का एक्सपायरी है, दो दो महीने का एक्सपायरी पीरियड रहता है, तो इसमें गोल्ड में वॉलेटिलिटी कम रहता है, फिर भी आपको प्रीमियम जो है 25-30 हजार रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है एक ऑप्शन लेने के लिए। यहाँ पे जो प्रीमियम है एट द मनी, अभी अभी जो आईवी है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है 24% के करीब है, तो आपको मैंने अभी आज का भी अभी खुला नहीं है या देखा नहीं मैं प्राइस, बट मेरे हिसाब से 100 रुपए 120 रुपए के आसपास का प्रीमियम होना चाहिए, 10-12 हजार रुपए का। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि काफी सस्ता ट्रेड है इसमें क्रूड ऑप्शंस में, अच्छी बात है। कुछ और लेकिन आज के कारोबार के लिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू बता दीजिए, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड कर रहे हैं सोने और चांदी में? आई थिंक गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि डॉलर का जो स्ट्रेंथ देखते हुए, रुपी वीकनेस देखते हुए, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। जून वायदा 31,450 में आप गोल्ड खरीदे, 31,330 का स्टॉप लॉस और 31,650 का टारगेट। चलिए शुक्रिया किशोर नारने आपका इस पूरे अपडेट के लिए, क्रूड ऑप्शंस पर बात करने के लिए और बताने के लिए कि आज गोल्ड में और सिल्वर में किस तरह का ट्रेड करना इंट्राडे के लिए फायदे का सौदा होगा। अनिल जी तो चलिए आपने अब क्रूड के ऑप्शन भी लॉन्च कर दिए, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ेगा आपका भी, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा आपका टाइम भी बढ़ेगा। बिल्कुल टाइम तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। नहीं टाइम मतलब आपके कवरेज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी 11 कितना बजे तक खुला रहता है? 11:30 बजे तक, तो 11:55 तक करवा दें हमारे साथ साथ वो है ही, मतलब पर्टिकुलर किसी किसी उसमें हो जाए हमारा, जब 11:55 होगा तब आपका भी। हाँ बिल्कुल, एनीवे लेकिन अच्छी बात है, अब धीरे धीरे ऑप्शन और ये सब जब खुलेंगे कमोडिटी बाजार में भी एक्शन पूरा होता दिखेगा, और कमोडिटी बाजार के सबसे बेस्ट कवरेज तो आप जी बिजनेस पर देखते हैं, और मृत्युंजय का शो तो सुपर हिट है, खासतौर से शाम वाला, तो उसकी तो गजब 5:30 बजे बिल्कुल। अरे उसके लिए तो लोग मुझे पूछते हैं कि हम जमकर बैठे रहते हैं कि बस वो शो आने वाला, मैं सोच रहा हूँ एक आधा घंटे का शो और शुरू किया जाए। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत डिमांड है रात को 9:30-10 बजे बिल्कुल। चलिए मृत्युंजय रहेंगे हमारे साथ में। ओके इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं, और बीएमएल को देख लीजिए दोबारा जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमने। बिल्कुल बीएमएल आज का स्टार परफॉर्मर, और सबसे पहले जी बिजनेस पर आपको पता चला कि ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, 1110 के लेवल्स के आसपास था, 1150 तो कर्नाटक के चुनावों का स्टॉक्स पर सबसे पहले इंपैक्ट अगर कहीं आपको मिला तो वो जी बिजनेस पर, बीएमएल, उसके अलावा आप देख सकते हैं बीएफ यूटिलिटी, बीएफ इन्वेस्टमेंट, इन सबका मेटल स्टॉक्स जिनके लिए बेहद पॉजिटिव थे, ये सारे के सारे स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हुए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आएंगे, तो क्या दमदार तेजी होती दिख रही है। और अब हमारे साथ राकेश बंसल साहब तो है, श्रीकांत चौहान भी है, सुनील सुब्रमण्यम साहब भी है, फोकस करते कुछ और स्टॉक्स पर। ओके ये सारे स्टॉक्स बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। दीपाली एक और स्टॉक जो अब धीमे धीमे मजबूती की तरफ बढ़ रहा है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी 3.5% मजबूत हुआ है। यार इसके चार्ट देखिए, श्रीकांत क्या कह रहे हैं इस मेटल शेयरों की तेजी के साथ ये भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? अनिल जी बिल्कुल, जितने भी स्टील स्टॉक्स है उसमें हमने अच्छी तेजी देखी है, और इनफैक्ट लास्ट अगर आप एक महीने के ओवरऑल ट्रेंड को देखते हो तो कभी भी मार्केट में तेजी हुई है तो प्राइवेट बैंक्स के साथ अगर तेजी हुई है तो मेटल्स में होती थी, बट इस बार मेटल्स में स्टील में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इनमें ये जो ट्रेंड है वो और कंटिन्यू रहेगा। जितने भी फ्लोज थे ये स्पेसिफिक एक दो महीने के अंदर, जो जहाँ पे मार्केट काफी कॉशियस था वहाँ पे जितने भी फ्लोज थे वो स्टील इंडस्ट्री में या स्टील इंडस्ट्री ने काफी अट्रैक्ट किए हैं, मुझे लगता है कि ये सेक्टर डेफिनेटली चलेगा। लेकिन
स्टील अथॉरिटी डेफिनेटली अंडर परफॉर्मर है और इसी वजह से मुझे लगता है अगर काफी लॉन्ग टर्म व्यू हो तो इसे बाय करना चाहिए। प्लस अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नमेंट कंपनी होती है पीएसयू, तो वहां पे रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं बनते एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी, तो फोकस करना चाहिए हमें लगता है कि टाटा स्टील पे और जेएसडब्ल्यू स्टील पे। आज भी अगर आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील न्यू हाई में है और टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है कि जो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर सकता है, तो आई एम कंफर्टेबल विथ टाटा स्टील एट दिस प्राइस, यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। पिछले ये जो फॉल था उसमें इसने काफी अच्छा एक बॉटम बना लिया है 560-570 के करीब और मुझे लगता है ये स्टॉक 700 के लेवल्स के आसपास जा सकते हैं। करंट लेवल से हम टाटा स्टील बाय करने की सलाह देंगे, बाय कर सकते हैं। इसमें 222 सीटों का रुझान आ चुका है, 112 चाहिए फुल बहुमत के लिए, दो सीट्स का तो कोई इशू है नहीं, ऑलमोस्ट डन। अब फाइनल टैली आएगी, लेकिन फाइनल वो जो बात बार बार बहुत बड़ा बदलाव इन नंबर्स में होगा उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक चीज है दीपाली, हम लोग वैसे तो कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो है नहीं, हम तो मार्केट, लेकिन एनालिसिस करना तो आता है, क्योंकि जो एनालिसिस हमारा दिखा था कि धीमे धीमे सीटें कांग्रेस की कम हो रही है और जेडीएस की ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, एग्जैक्टली होता दिखा। अब देखिए कांग्रेस और जेडीएस में कोई खास डिफरेंस बचा भी नहीं है जितना था शुरुआत में, जितना एक नेशनल और रीजनल पार्टी उतना ही है, एक्चुअली उतना ही है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि दो रीजनल पार्टीज और एक नेशनल पार्टी का आंकड़ा जो फिगर्स अभी के हैं, बट टफ कंपटीशन जेडीएस ने दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, गहरी पकड़ रखते हैं वो देश की तमाम घटनाओं पर भी। सुदीप सर बताइए कैसे देखा आपने इस रीजन को और बाजार का रिएक्शन बराबर है या थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए? बाजार का रिएक्शन बराबर है मेरे ख्याल से, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और ये कंफर्मेशन आएगा नंबर्स के, आई थिंक मार्केट विल स्टार्ट इवन गिविंग बिगर थम्स अप टू द रिजल्ट्स। और अनिल जी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि कर्नाटक में एक सरकार आएगा जो कि सेंटर के साथ मिलकर काम कर पाएगा बहुत सालों के बाद, और एक अच्छा खबर है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कुछ कंपनीज के जिक्र आप कर रहे थे जहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स रुके पड़े थे क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें सेंटर स्टेट डिस्प्यूट का इशू था, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे, वो स्टेट के लिए अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अच्छा है, और कर्नाटक में एक प्रगति जो कुछ हद तक लग रहा था रुका हुआ है उस पर शायद वापस एक मोमेंटम आने का संभावना रहेगी, तो ओवरऑल आई थिंक कर्नाटक के लिए पॉजिटिव होगा और मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। एक बात यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन होते हैं रिजल्ट के, पर्टिकुलरली जो असेंबली इलेक्शन के, ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है, तो शायद इसका जो एक्साइटमेंट वो आज और कल कुछ हद तक देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट विल गो बैक टू जो यूजुअल थीम है कि इंटरनेशनल जो सपोर्ट है या इंटरनेशनल जो टेंशंस है, डोमेस्टिक मार्केट के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, मॉनसून, हम लोग उसी चीज की बात करना चालू करेंगे मेरे ख्याल से बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक जी। लेकिन सुदीप अभी आपने कहा कि जो कर्नाटक के रिजल्ट्स हैं काफी सारे इंडस्ट्रीज और कंपनीज के लिए पॉजिटिव हैं, कुछ स्पेसिफिक नेम्स बताइए, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हमारे यूएस को, कि किन स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं स्पेशली इन रिजल्ट आउटकम के मद्देनजर। बीएफ यूटिलिटीज जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे डेफिनेटली रडार में रहना चाहिए, पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, और कुछ बैंगलोर बेस्ड जो कर्नाटक बेस्ड जो पीएसयूज है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए जरूर। माइनिंग ओवरऑल कर्नाटक स्टेट में माइनिंग लेके जो समस्याएं थी, जो इश्यूज थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन आया था उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री के लिए और उनके जो एंड कंज्यूमर्स है उनको भी बेनिफिट होने की संभावना है जब ये माइनिंग वाला इशू एक सैटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा, पर बीएफ यूटिलिटीज का नाम सामने सीधा याद आ रहा है जहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, लेकिन अगर बीएफ यूटिलिटीज ध्यान में आ रहा है तो फिर एक स्टॉक और ध्यान में आना चाहिए, बीएफ यूटिलिटीज के बाद बीएफ इन्वेस्टमेंट, वो तो आ ही चुका है, बीएमएल आ ही चुका है, तो फिर भारत फोर्ज क्यों नहीं, जिसकी ये दोनों ही कंपनियां, प्लस पहला कनेक्शन तो ये कि जब भारत फोर्ज की दोनों ही सब्सिडियरी कंपनियां इतनी तेज दौड़ लगा रही तो भारत फोर्ज क्यों नहीं, ग्रुप तो सेम है, इनफैक्ट इस पूरे ग्रुप में बैंक अगर आप ध्यान देंगे, तो पहला। दूसरा एक और बड़ा कनेक्शन, ओके, वही तो इंटरेस्टिंग है दीपाली, बीएमएल की अगर स्ट्रेटेजिक सेल होनी है, डिफेंस का कारोबार है, भारत फोर्ज ऑलरेडी इंटरेस्ट जता चुका है, राइट, भारत फोर्ज को इंटरेस्ट है, कर्नाटक में तो भारत फोर्ज ग्रुप की जो प्रेजेंस है आप देख ही सकते हैं, नंदी इंफ्रा की हम बात कर रहे थे, ये तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ये कैसे मिस हो सकता है। अब तो एक्शन आपको भारत फोर्ज पर देखना चाहिए क्योंकि दो स्टॉक तो बाकी आपके भागे हुए हैं, तो भारत फोर्ज पर करिए फोकस,
सबसे बढ़िया बात क्या है कि स्टॉक में ना बड़ा प्राइस और ना बड़ा वॉल्यूम एक्शन हुआ, उसके पहले आपको सही वक्त पे एंट्री का शायद एक मौका दे रहा है। बंसल जी ये सही है ना? अनिल जी सही है, स्टॉक ने एक करेक्शन से चल रहा था और स्टॉक की करेक्शन खत्म हुई है। 722 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा बेस है और टेक्निकली अनिल जी यहां पर 775-778 के लेवल्स के लिए स्टॉक एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। 725 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, क्या 725 का स्टॉप लॉस है और 778-780 के टारगेट 778-780। सुदीप सर, जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्या भारत फोर्ज भी फिट बैठता है इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में? जी अनिल जी, आपने बिल्कुल सही चुना है क्योंकि जैसे आप जिक्र कर रहे थे सब्सिडियरी है और सब्सिडियरी को बेनिफिट मिलेगा तो होल्डिंग कंपनी में उसका बेनिफिट जरूर फ्लो इन करेगा। बीएमएल का डिसइन्वेस्टमेंट में भारत फोर्ज का सक्सेस और नॉट वो थोड़ा फार-फेच्ड है, वो अभी बताना, उस पर कॉल लेना और उसके बेसिस पे भारत फोर्ज में खरीदारी का सलाह शायद नहीं देंगे। पर जो कर्नाटक में जो पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है, बीएफ यूटिलिटीज, बीएफ इन्वेस्टमेंट को जो बेनिफिट मिलेगा उसका फायदा जरूर भारत फोर्ज को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अनिल जी यह है कि भारत फोर्ज में हम लोग पहले से ही पॉजिटिव है। यूएस जो एसयूवी, यूएस जो कमर्शियल व्हीकल मार्केट में पिकअप देखने को मिला है उसका बहुत बेनिफिट भारत फोर्ज जो कि बहुत बड़ा सप्लायर है उसको मिलेगा। इसके अलावा भी डिफेंस क्षेत्र में भारत फौज का एक एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है और सरकार का मेक इन इंडिया जो डिफेंस में हो रहा है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भारत फौज को मिलने की उम्मीद है। डोमेस्टिक जो फोर्जिंग इंडस्ट्री है उसमें भी इसका अच्छा पकड़ है और जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या बाकी हेवी इंडस्ट्री क्षेत्र में जो पॉजिटिव सा मोमेंटम लग रहा है आ रहा है उसका भी बेनिफिट भारत फौज को मिलना चाहिए। तो ओवरऑल सारे चीज अगर आप साथ में नजर करें तो भारत फौज डेफिनेटली इज ए गुड बाय फॉर वन ईयर प्लस टाइम होराइजन। इंडेक्स को एक बार फिर से देखें तो पहले टारगेट जो थे 10900 के निफ्टी पर और 26800 के वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, लेकिन अब दूसरे टारगेट्स को अचीव करने की तैयारी 10950 के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, 10926 पर आ चुका है। और अब देखिए बैंक निफ्टी को 26950 के ऊपर, 27000 तक की राह कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 25-50 पॉइंट तो इट्स मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जो बेसिकली सुबह वाले लेवल थे जो हम यही कह रहे थे कि बीजेपी अगर अपने दम पर यही आप 5 सीट और दिलवा दीजिए लालच बुरी बला है, ठीक है, लालच क्लियरिटी है, लालच से ज्यादा क्यों भाई 110 दे रहे तो 115 ही दे दो भाई, 5 के लिए क्यों इधर उधर। हालांकि वो तो बहुमत के लिए तो दो और चाहिए ना, 112 मतलब 224 क्योंकि है दो पे इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं तो आगे की भी सोच रहा हूँ, अब तो खैर वैनी है, जब बाई इलेक्शन होंगे जो दो सीटों में तो फिर और वैसे चांस बढ़ जाएंगे बीजेपी के आने का अगर ये इस तरह से। तो कुल मिलाकर आप ये मानना पड़ेगा जो विश्लेषण सुबह किया आपने वो बिल्कुल सटीक बैठा कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है तो 10950 पहले उसके बाद 11000 बिल्कुल और 27000 का टारगेट बैंक निफ्टी का दूसरा टारगेट वो भी अचीव होने की। बंसल जी कुछ कह रहे थे आप? अनिल जी मैं यही कह रहा था, दिल मांगे मोहरे टू मच। अनिल जी 110 सीटें भी आ रही है। सर क्या टू मच क्या होता है? अनिल जी 11000 आज ही ले जाने का विचार, कोई टू मच नहीं होता सर। जन्मदिन की बात तो अब दर्शन होंगे कब वापस जाकर नया लाइफ टाइम हाई के, इतना क्या सब सारे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, हम क्यों ना चले। अच्छा एक स्टॉक और आपका और डिम्पी का फेवरेट कर्नाटक का क्यों 6.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 80,000 शेयरों से, इस स्टॉक में भी कर्नाटक इंपैक्ट का कोई बिल्कुल कनेक्शन है क्योंकि तो कर्नाटक की कंपनी है सबसे बड़ा लेकर सप्लायर है और पूरे इंडिया में कहीं जो हायर एक्साइज ड्यूटी है लेकर पे तो वो कर्नाटक में है जो कि कम हो सकती है। ये ट्रिगर है जो इंपैक्ट स्टॉक्स की मैंने लिस्ट बनाई थी उसमें यूनाइटेड ब्रिवरीज था, मिस हो गया आपने पकड़ा? ना मिस नहीं, बिल्कुल जैसे प्राइस एक्शन शुरू हुआ है हमने तुरंत पकड़ लिया और आपकी रिसर्च देखे काम आ रही है। तो एक बार जरा फिर से बताइए दीपाली की यूबीएल में कर्नाटक के इलेक्शन से किस तरह फायदा होगा? बेंगलुरु में सबसे बड़ी लीडिंग लेकर सप्लायर है यूनाइटेड ब्रिवरीज और ओवरऑल इंडिया में लेकर पर जो हाईएस्ट एक्साइज ड्यूटी है वो बेंगलुरु में ही है। अच्छा इस बीच एक चीज और बता दूं आपको, हमने जो एक बंसल जी जो शुरू किया है ये शेयर चलता क्यों नहीं, इसमें जिस जिसका नाम है उसके नसीब बदलते हुए दिख रहे हैं। देखिए यूबीएल हमने दो दिन पहले मेरे ख्याल से तब तो 1080-90 के आसपास था, कर्नाटक बैंक कल ही उसे शामिल किया गया था, आज कर्नाटक बैंक देखिए कि ये शेयर चलता क्यों नहीं, मैं कल शामिल हुआ और आज बेचारा 2.5% तो चल गया। तो मतलब देखो जिन जिन शेयरों के नाम आ रहे हैं उनके नसीब बदल रहे हैं। आज हमने इलेक्शन की वजह से आज ये सेगमेंट रखा नहीं, कल फिर से होगा चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ फिलहाल यूबीएल माय गॉड ये तो दौड़े जा रहा है, फटाफट बताइए आप।
हम बात करने में रह गए, शेयर बढ़ रहा है। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने एक आज के सत्र में एक ब्रेकआउट दिखाया है 1118 के ऊपर, और टेक्निकल स्टॉक 1165-1170 तक इजीली रैली ले सकता है, और ट्रेडिंग का नजरिए से स्टॉप लॉस 1114 के नीचे लगाना चाहिए। दरअसल एक्साइज ड्यूटी फ्रंट पर इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, इसके बाद हाईएस्ट एक्साइज ड्यूटी हो गई थी, तो वो रिलीफ यहाँ पर। तो बीएमएल से नजर ही नहीं हट रही, क्या करूं, 10% माई गॉड, पहला सर्किट मार चुका है। वाह, आपके सारे टारगेट हासिल हो चुके दिन वाले तो? नहीं अनिल जी, हाँ दिन वाले मैं बोल रहा था, पोजिशनल वाले दो सर। नहीं अनिल जी, एक टारगेट 1167 का भी दिया था, बट दूसरे टारगेट सब अचीव हो चुके हैं, 1167 10 रुपए ऊपर। बट अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल लेवल है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की जिन स्तरों पर पकड़ा था वहां पर एनालिसिस यही था कि जो लोग फंसे हुए हैं लेके, उनके लिए राहत है, स्टॉक में क्लियर कट एक बॉटम फॉर्मेशन के संकेत थे। राहत क्या, पैसे भी बनेंगे सर, राहत तो छोटी चीज है, अब तो पैसे बनेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अब मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन है। मिस्टर टंडन, गुड मॉर्निंग। अब इलेक्शन के नतीजे भी आपने देखे होंगे और बाजार का रिएक्शन भी, नए रिकॉर्ड हाई की तैयारी कर लें। देखिए यहाँ से तो कुछ हद तक ऊपर जाएगा अगर ये नतीजे बन जाए, जो अभी संकेत जो आ रहे हैं, अगर उसी हिसाब से नतीजे भी वैसे ही आएंगे तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से थोड़ा और रैली कर सकता है। नए हाई बनाने के लिए मुझे लगता है कि अर्निंग्स का सपोर्ट आना जरूरी है, और वो अभी भी जो है हालांकि अर्निंग्स अनुमान के तरह ही है, लेकिन अभी ऐसा कोई हमको ऐसा संकेत नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़त जो कि मार्केट ऑलरेडी अज्यूम करके चल चुका है वो सस्टेन हो पाएगी। तो मेरा मानना है कि नया एक बार ब्रेकआउट हुआ भी तो फिर वापस आ जाएगा। एक ये जरा सर साउथ के बैंक्स के बारे में राय दीजिए, छोटे छोटे वाले, फेडरल, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, क्या इनमें कहीं खरीदारी का मौका दिखता है, कोई पसंद है आपको सर? देखिए फेडरल बैंक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसका आरओई यहाँ से बढ़ना मुश्किल लगता है, कि 11-10% से बढ़ के बहुत ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश नजर नहीं आती। इसके कारण उसमें वैल्यूएशन का एक प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि वो गिरावट आ गई थी रिजल्ट के हिसाब से, तो उसके बाद थोड़ा सा बढ़त की संभावना बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेन करना मुश्किल है। साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से शायद बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर एमएसएमई लोन की पोर्टफोलियो ज्यादा है, उसमें शायद आपको यहाँ से कुछ बढ़त मिल सके। कर्नाटका बैंक में ट्रैक नहीं करता हूं, इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कोई बात नहीं। और इस बीच आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ये लाइफ टाइम है, पर मुझे याद है हम 2 हफ्ते पहले लगातार तब 1070 के आसपास भाव होता था, और जो बातें आ रही थी इनकी कोई भी हो सकती है, और बंसल जी अरे हाँ 35% के लिए आपने बोला था एक साल में 35% जून 2500 का भाव है ना, 2700 रुपए का टारगेट डाला हुआ है। अरे जी काफी जल्दी आ जाएगा सर, सर इस स्पीड से चला तो जल्दी आ सकता। बताइए जिन लोगों ने आपके कहने पर लिया वो क्या करें? अनिल जी डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए, और बेचने का तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए जिन्होंने मेरे कहने पर निश्चित स्तरों पर बाई करा है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ये निफ्टी में आज। सबसे बढ़िया चीज ही है क्वालिटी शेयर चल रहे हैं, और वही सबसे बढ़िया बात है। तो जो आनंद जी जो दिख रहा है कि सरकारी बैंक बेचकर लोग प्राइवेट बैंक्स खरीद रहे हैं, तो क्या इन दिग्गज शेयरों में अभी भी आपको वैल्यू दिखती है? क्या आपको लगता है कि 2050 में खरीदने में हर्ज नहीं एचडीएफसी बैंक? देखिए एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जैसे शेयर जो हैं, उनको आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलना चाहिए, और इसलिए नहीं क्योंकि वो सस्ते हैं, बट इसलिए क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस जो है बड़ा कंसिस्टेंट और रेगुलर आई है और आती रही है, तो उसमें 1-2 साल की बात नहीं है, वो कई सालों से है। अगर आप एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो सारे शेयर्स बहुत महंगे हैं, लेकिन इस वक्त आई डोंट थिंक कोई वैल्यूएशन के ऊपर ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है। तो बात यह है कि आपको ग्रोथ मिल रही है और बिना ज्यादा शॉक के मिल रही है। मेरा मानना यह है कि इस साल जो है कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में शायद आपको अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है, और उसमें खाली प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र या यू नो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स पर अगर आप निवेश करें तो शायद आपको वहां पे डेल्टा ज्यादा मिल जाए। स्ट्रेटेजिकली ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैंने कहा कोटक और एचडीएफसी जैसे बैंक्स वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और इस बीच एक और शेयर जो कर्नाटक का ही और जो यूबीएल से जुड़ा हुआ
जिसका जिक्र साथ साथ में होना ही चाहिए वो है यूनाइटेड स्प्रिट्स या फिर मैकडोवल। और इस स्टॉक में देखिए इसमें भी भारी भरकम वॉल्यूम एक्शन आता हुआ दिख रहा है, एक 2 लाख शेयरों का बड़ा ट्रेड मेरी स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है। यूबीएल का शेयर आपके सामने लाया और वो ब्लॉक डील लेके आया, 3240 रुपए के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो मैकडोवल में बड़े वॉल्यूम के साथ उछाल आता हुआ दिख रहा है, यूबीएल यूनाइटेड स्प्रिट्स दोनों स्टॉक्स ये बड़ी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। तो मैकडोवल 2% मजबूत है और 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बड़ी तेजी के साथ ये कारोबार होता हुआ दिख रहा है, इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो अच्छा मजबूत तो है ही है बंसल जी, दोनों में से ज्यादा मजबूत क्या है मैकडोवल? नहीं अनिल जी दोनों बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, दोनों का अनिल जी अपने अपने सेटअप है, इन दोनों के अपने अपने ब्रांड्स हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं, कंपैरिजन नहीं करना समझ रहा हूं मैं, लेकिन बताइए शेयर कौन सा लेना है? अनिल जी यहां पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 3265 के ऊपर, टेक्निकली एक डाउनवर्ड चैनल को इसने स्टॉक में खत्म करा है आज के सत्र में, एंड टेक्निकली अनिल जी ऊपर में 140-150 रुपीस की रैली 3400-3410 के लेवल्स के लिए स्टॉक में मुझे लगता है एक बाइंग देखने को मिला। आपका ब्रेकआउट हो गया बराबर है, अब ब्रेकआउट के बाद टारगेट क्या बोल रहे हो आप अनिल जी? 3400-3410 अनिल जी, तभी कह रहा हूँ कि दोनों अपने अपनी जगह पर हैं, दोनों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, छोटे टारगेट्स होते तो मैं कहता कि एक को बाय करें, दोनों अपनी जगह पर है। बड़े बुलिश हो गए आप अनिल जी, अब मेरे को लगता है कि मूड बदलने का वक्त आ गया आपका, मिट गया इसमें। देखिए मैं आपको यही बोल रहा था कि आप चिंता मत करो, दिग्गज शेयर ले जाएगी वापस ऊपर, अब आप अच्छी मिट के आइडिया ढूंढो अनिल जी। मैं वही देख रहा हूँ जहाँ पे रिवर्सल देखने को मिले, दो एक स्टॉक देखिए एडलवाइज, क्या कुछ दिख रहा है चार्ट में अनिल जी? वॉल्यूम बहुत दिख रहा है मुझे और एक के बाद एक बड़े ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं, और अभी अभी भी जो मेरी स्क्रीन पर एक बड़ा ब्लॉक हुआ है इसकी वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा है एडलवाइज में। एक्चुअली सुबह भी हुआ था एक बड़ा ट्रेड, अभी फिर से हुआ है, तो कुछ तो बड़ा वॉल्यूम एक्शन होने की तैयारी हो रही है एडलवाइज में। देखिए अभी जो हुआ है 305 रुपए में है, एक बार मैं चेक करके आपको एग्जैक्टली बता दूं कि एडलवाइज में क्या एक्शन हुआ है। हाँ आ गया है, 10 लाख शेयर हाथ बदले हैं 304 रुपए में, तो एडलवाइज के काउंटर पर बड़ा एक्शन ये अभी हुआ एक सुबह भी। हाँ सुबह जो हुआ था वही बता दूं, 10 लाख शेयरों का सुबह हुआ 305 रुपए में, 10 लाख शेयरों का अभी हुआ 304 में, तो वॉल्यूम तो लगातार होता दिख रहा है इसमें अनिल जी। वॉल्यूम के साथ साथ अनिल जी देखें तो एक ब्रेकआउट की भी तैयारी कर रहा है स्टॉक, 305 रुपए के ऊपर अनिल जी निकल रहा है, 304 पर डील हुई है, अगर ये 305 के ऊपर अनिल जी क्लोजिंग देता है तो काफी बड़ी इंटेंसिटी का बड़ा ब्रेकआउट होगा, 305 के ऊपर सस्टेन करता है क्लोजिंग देता है तो अनिल जी मेरे लक्ष्य 325-330 के बैठते हैं यहाँ पर। ओके 325-330 और 222 सीटों पर हुआ चुनाव 224 में से, हाफ वे मार्क आपको जो चाहिए वो होता है 111 का शुभ आंकड़ा, वो आपकी स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आप देखिए बीजेपी एग्जैक्टली हाफ में मार्क पर पहुंच रही, 50% पर पहुंच चुकी है, 111 वो आंकड़ा जो बाजार देखना चाहता था वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग हुई है कि बीजेपी हाफ वे मार्क 50% सीट पर पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग बहुमत पर बीजेपी पहुंच चुकी है। और जब कर्नाटक की बात हो रही हो, एक के बाद एक शेयर कोई हमने छोड़ा ना हो, शुरुआत में पकड़ा तो फिर एक शेयर को कैसे छोड़ सकते हैं दीपाली? जब सब कुछ हो गया, बीएफ हो गया, बीएफ भारत फौज हो गया, बीएमएल हो गया, भेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, तो फिर बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक और सरकारी कंपनी जो कर्नाटक बैंगलोर बेस्ड सरकारी कंपनी, इस शेयर पर नजर डालिए और जो एक्शन होता है दिखा दे कि कर्नाटक में ये जो सरकार बनने के जो फायदे होते हैं ना कि केंद्र में और राज्य में अगर एक ही सरकार है तो काम किस तरह से आसानी से होता है वो आपको नजर आएगा। और बीएलबी एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है और इस स्टॉक में भी देखिए एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बढ़िया बात क्या है, दोनों एक्शन हमने एक साथ शुरुआत होते ही पकड़े हैं क्योंकि देखिए स्टॉक में 1% के आसपास की तेजी है और 2.5% 8.5 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी कि पोजीशन बनना शुरू हो चुकी है लेकिन स्टॉक का मूवमेंट अभी आना बाकी है। और बीएल क्या एंट्री पॉइंट सही मिल रहा है इस वक्त, रिस्क कम है रिवॉर्ड बेहतर है अनिल जी? देखिए वैसे अगर लंबी अवधि के नजरिए से नजरिए से अनिल जी 129 रुपए के ऊपर की मेरे को ब्रेकआउट चाहिए। अभी क्या है, अभी अनिल जी 127 के अराउंड चल रहा है, 127.50-127.29। आज आपका कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको ब्रेकआउट चाहिए था नहीं मिला ये बताइए? नहीं अनिल जी देखिए आप जैसे बजाज फाइनेंस भी ब्रेकआउट दिया वहां मिल गया, हाँ अनिल जी फिर भी मैं पहले लेने के लिए बोल देता, बट बी मिल जाएगा सर चिंता मत कीजिए। उसके बाद क्या, 129 के पार निकलने के बाद क्या, ये बताइए अनिल जी? 129 के पार निकलने के बाद यहाँ पर 133-134 के लेवल स्टॉप लॉस
अनिल जी एक बार 129 के ऊपर निकलेगा तब स्टॉप लॉस यहाँ पर 126.80 का लगा। श्रीकांत जी आपकी राय दीजिए फटाफट बीएल पर, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए राकेश जी का। देखिए मुझे लगता है कि अनिल जी ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, बट जैसे अभी राकेश जी ने बताया मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसे लेना चाहिए, बिकॉज इसमें सेल ऑफ काफी स्टीप हुआ है, 190 से लेकर 125 या 30 तक वो लगातार गिरते गया है, कोई भी रिकवरी नहीं देखी गई है, तो मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्म करेगा ही डेफिनेटली। और अगर बाय करना ही है तो अनिल जी मुझे लगता है कि भारत अर्थमोर ही बाय करें, बिकॉज ये जो स्टॉक है वो काफी अट्रैक्टिव टेक्निकल लेवल्स पे भी मिल रहा है, प्लस फंडामेंटली भी अगर आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये स्टॉक मिल रहा है, जहां पे डाइवेस्टमेंट के 3 स्टेज क्लियर हो चुके हैं। मुझे लगता है भारत अर्थमोर जैसा स्टॉक शायद ये मार्केट में अभी नहीं होगा, तो इसे ही बाय करना ज्यादा बेटर होगा। वाह, तो देखिए टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, खरीदारी कीजिए, मूड बदल लीजिए, अब ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं। और बंसल जी ने भी बदल दिया, थोड़ा और बचा हुआ है वो हम अभी शो के बाद बदलेंगे। शुक्रिया सर आपका, और साथ ही हमारे तमाम जो गेस्ट हैं उनका भी हम धन्यवाद देंगे शो में हमारा साथ देने के लिए। तो फर्स्ट ट्रेड में आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के उस पार भी पूरा कवरेज जारी रहेगा, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो या मार्केट से रिलेटेड हो, दोनों कवरेज छूटेंगे नहीं। और अब तो वैसे भी मार्केट का ही ज्यादा चाहिए आपको, तस्वीर तो साफ हो चुकी है, बाजार की मर्जी के मुताबिक नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। तो बस छोटे से ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे मिहिर और साथी पूजा।